मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम मुख्यतः पुस्तक प्रकाशन का और एक वेबिनार की, जहां हम आधुनिक संदर्भ में चरक संहिता का महत्व, ये विषय इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई वैद्य यगो जोशी जी, जो हम सबके आयुर्वेद के गुरु हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कार्यकाल में उन्होंने चरक संहिता की हिंदी व्याख्या यशवंत टीका लिखी है, और उस परिश्रम का यह गौरव है। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सततध्ययनं वादः परतन्त्रावलोकनं तद्विद आचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गढ़ा। ये बुद्धिवर्धक जो उपाय बताए गए हैं, उसमें सततध्ययन यह भी एक महत्व का उपाय है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आचार्य वैद्य यगो जोशी जी का परिचय सबको है ही। उनके परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ जो ऐसे शब्द हैं उनमें उनका मैं परिचय करना चाहता हूं। आचार्य जोशी जी एक वैद्य, अध्यापक, वैज्ञानिक है, और उनको एक योद्धा के रूप में भी मैं आज देख रहा हूं। इट इज सेड व्हेन गोइंग गेट्स टफ देन द टफ गेट गोइंग। इस COVID-19 पैंडेमिक के चैलेंज में जिन्होंने अपने कर्तृत्व को आगे बढ़ाया और इस पुस्तक का निर्माण हुआ, इसलिए मैं वैद्य जोशी जी को ही विनंती करता हूं कि इस पुस्तक के पीछे उनकी क्या भूमिका थी और ये कार्य कैसे हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। ओवर टू यू। नमस्कार। आप जैसे आयुर्वेद प्रेमियों के सामने आज मेरे किताब का प्रकाशन हो रहा है, इसमें मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। इस किताब की निर्मिति होने के पहले उसकी जो पीछे भूमिका है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन करता था, GFM का अध्ययन करता था, तब मेरे बड़े भाई वैद्यराज शिगो जोशी, उनके घर में बहुत से विद्यार्थी सुश्रुत पढ़ने आते थे। वे संस्कार मुझ पर थोड़े हुए, मैंने ज्यादा ध्यान उस तरफ नहीं दिया था। मगर जब मैं जामनगर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, उस समय मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, वैद्य मामा साहेब गोखले जी। वो जामनगर के जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर इन आयुर्वेद नाम का सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, नया नया ही शुरू हो गया था, उसके पहले प्रिंसिपल, उनके साथ पहले चरक का अध्ययन मैंने शुरू किया। हर रोज रात में 9 से 11 बजे तक हम चरक पढ़ते थे। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी 2-4 लोग जो महाराष्ट्रीयन थे वहां, वो सब मिलकर के वहां उनके घर जाकर के अध्ययन करते थे। हर रोज 2 घंटे का समय उसके लिए रिजर्व किया था, परंतु हर एक श्लोक के बारे में मामा गोखले जी जो विवरण करते थे, जो विस्तार से उसका विवेचन करते थे, इसमें बहुत टाइम लगता था। केवल चरक ही क्या कहता है ऐसा नहीं, तो बाकी ग्रंथकारों का क्या मत है इसके बारे में, इतना ही नहीं तो टीकाकार जो विविध है उन्होंने क्या क्या कहा है, और इसके साथ ही जो आधुनिक विज्ञान है उस आधुनिक विज्ञान में इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में चर्चा होती रहती थी। 2 बरस तक ये काम चल रहा था, और पूरे 2 बरस में वो सूत्रस्थान भी पूरा नहीं हो सका इस गति से।
परंतु ग्रंथ का अध्ययन किस रीति से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये तो पूरा ध्यान में आ गया था। जब पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके मैं पुणे में टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय में ज्वाइन हुआ, उस समय विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनके सामने मैं चरक की और चक्रदत्त की टीका पढ़ता था, चालू रहा था बहुत दिन तक। मेरे एक दिन मेरे एक विद्यार्थी पुणे के ही महेंद्र शर्मा जी, वो मेरे पास आए और बोले, जोशी हैं तो बहुत अच्छे करते हैं, हमें बहुत ही लाभ होता है, परंतु ये सबके सामने आना चाहिए, केवल हम जो थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप है उनके सामने क्यों, तो आप इस पर कुछ लिखाण करो। मैंने मान्य किया, उन्होंने हाँ मान्य नहीं, अभी आज से अब इस क्षण से शुरू कर देंगे, और उस क्षण से चरक पर मराठी टीका मैंने लिखना शुरू किया। उस समय भी मैंने वो पूरा काम, पूरा चरक पर मेरी यशवंत टीका मराठी में थी, वो पूरी कर दी 6 महीने की अवधि में, और उसका प्रकाशन होने के लिए बाद में 2 वर्ष लगा, क्योंकि उसका DDP पूरा संस्कृत होने के कारण उसका प्रूफ रीडिंग और उसका प्रिंटिंग, इसमें बहुत टाइम लगा। 2004 साल में ये मेरा पूरा काम हुआ और मराठी में यशवंत टीका प्रसिद्ध हो गई। उस समय से विद्यार्थी और चिकित्सक दोनों की तरफ से मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला इस चरक संहिता के, जो मैंने लिखा हुआ था यशवंत टीका उसके ऊपर। बीच में मैंने काय चिकित्सा नाम का भी एक ग्रंथ लिखा था, काय चिकित्सा के बारे में भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। आपको कहने में मुझे आनंद लगता है कि अभी तक उसका प्रकाशन करीब 93 में हो गया, वहां से अभी तक 1 लाख से अधिक प्रति उसकी बिक चुकी है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। जब कुछ अन्य भाषिक विद्यार्थी मिलते थे, वो बोलते थे हम पुणे में आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, हम भी आपका ही काय चिकित्सा पढ़ते हैं, मगर दिक्कत होती है, आप इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने काय चिकित्सा का हिंदी ट्रांसलेशन भी किया और उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरे भारत में बंगाल से लेकर वो राजस्थान तक या काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने उसे हिंदी काय चिकित्सा को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। फिर आगे लोगों की डिमांड होने लगी कि आप ने जो चरक पर यशवंत टीका लिखी है वो हिंदी में क्यों नहीं करते, आपका जो ज्ञान है वो महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड हो गया है, आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पूरे भारतवर्ष में लोगों को लाभ होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं हिंदी में ही ट्रांसलेशन कर दूं। उसी समय लॉकडाउन हो गया, टाइम भी कुछ बहुत कुछ मिला, उम्र के कारण मुझे डिस्पेंसरी में जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। 5-6 महीने मुझे मिल गए, उस समय में मैंने ये हिंदी संस्करण का काम पूरा कर दिया, उसका प्रूफ रीडिंग और ये भी बहुत अच्छी तरह से मैं कर सका, क्योंकि मुझे बहुत ही टाइम था। इस प्रकार ये जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है उसकी हिस्ट्री है। धन्यवाद सर। चरक संहिता एक ग्रंथ, सिर्फ ग्रंथ नहीं, एक ज्ञान परंपरा है कि जो अखंड और अक्षुण्ण है। इस ज्ञान परंपरा ने, इस ज्ञान की गंगा ने अनगिनत आयुर्वेद के विद्यार्थियों को एक सफल वैद्य बनाया है। सिर्फ आयुर्वेद पर ही नहीं, लेकिन चरक संहिता ने भारतीय तत्व ज्ञान का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज सुबह एक भारत के ज्येष्ठ वैज्ञानिक ने मुझे बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा वन हेल्थ के रूप में आज हो रही है, और जिसकी शुरुआत चरक संहिता के
पुरुषोयम लोक संहिता इस लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत से शुरू हो रही है। ये कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ हो या सोशल मेडिसिन या तत्वज्ञान, चरक संहिता का उदाहरण, चरक संहिता का स्थान ये अनन्य साधारण है। इसकी चरक संहिता के वैद्य योग जोशी जी ने लिखी हुई हिंदी व्याख्या यशवंत टीका का विमोचन करे ऐसी मैं आज के अतिथि और ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक मेरे गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी को मैं ये विनंती करता हूँ कि पटवर्धन जी कृपया चरक संहिता के इस आवृत्ति का विमोचन करें और अपने कुछ विचार रखें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद गिरीश जी। और हम सबके गुरु वैद्य यगो जोशी, सबके गुरु मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद सीखा है वो पुणे में जब था, मैं सीख रहा था, जैव रसायन शास्त्र का विद्यार्थी था, तभी से यगो जोशी सर का मेरा परिचय है और उनके साथ मैंने बहुत सारा सीखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मास्टर्स डिसर्टेशन जो था वो भल्ला तक का था और वैद्य यगो जोशी भल्ला तक वैद्य करके भी जाने जाते हैं, वो तो उनकी विशेषताएं है और उन्होंने जिस तरह से भल्ला तक का प्रयोग किया है और उस समय भी मुझे याद है इतना मुझे उन्होंने उसके बारे में बताया है, सिखाया है, उसका मुझे आज भी उपयोग होता है, इसलिए मैं भी उनको मेरा गुरु मानता हूं। गिरीश जी ने बताया वो बिल्कुल सही है, ये जो काम उन्होंने किया है एक योद्धा के तरह किया हुआ काम है। कोरोना योद्धा थे ही वो, क्योंकि वो खुद क्लिनिक में बैठते थे। आज उनका एज जो है वो मुझे लगता है 85 के भी ज्यादा है, मैं अगर सही समझता हूं तो ये एज में जो काम करना, ये मुझे लगता है उन्होंने सबके सामने आदर्श रख दिया है कि एज कोई मायने नहीं रखता है, एज को तो एक मन की स्थिति है। वो तो आज भी आपने देखा उनका आवाज इतना बुलंद है, आज भी उनका मेमोरी इतना स्ट्रांग है आज भी, तो एक युवा जैसे ही वो हमारे सामने आज प्रकट हुए और जिस जोश से उन्होंने अपने यशवंत टीका के बारे में हम सबको बता दिया, एक मुझे लगता है हम सबके सामने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल आदर्श करके सामना रख दिया। मैंने खुद ये किताब पढ़ी, आपने देखा रहेगा ये मैंने मेरे साथ ही रखी हुई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं इसका विमर्श करूं और इसका प्रकाशन करूं। ये दो वॉल्यूम है, खंड एक जो है उसमें 1040 पेजे है, पन्ने हैं और खंड दो में 1165 पन्ने हैं। ये जो आपने बताया बनाया है यगो जी, मैं आपको बिल्कुल हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपने ये जो कार्य किया है वो सभी आयुर्वेद के अध्यापकों को, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को बहुत ही उपयोगी होगा, ये मेरा मानना है। मैंने इसका थोड़ा पठन भी किया है, मैं तो ऐसे बताया मैं संस्कृत इतना जानता नहीं हूं और दिल्ली में जाने के बाद में थोड़ा बहुत हिंदी सीख भी गया हूं, तो इसी कारण इसका मैंने हिंदी अनुवाद जब भी पढ़ना शुरू किया तभी मुझे ऐसा लगा कि ये जो आपने एक गिफ्ट दी है नई पीढ़ी को, नए युवाओं को एक नई गिफ्ट दी है, उसका विमोचन करने का सौभाग्य मुझे आपने दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इसका प्रकाशन आज हुआ है ये मैं डिक्लेयर करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको लंबी आरोग्यदायी उम्र और मिले और आपके ज्ञान का लाभ हम सबको आने वाले सालों में मिलता रहे। मैं अंत में यही बताऊंगा कि वैद्य यगो जोशी
एक बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे। मैंने उनको बहुत करीब से पूना में देखा है। उनके बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में मेरी हमेशा चर्चा होती है और उन्होंने जो छात्र बनाए हैं वो पूरी दुनिया भर में आज है। उनका कार्य आयुर्वेद के लिए बहुत ही महनीय और महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा कि चरक की टीका तो काफी सारे लोगों ने की है और मैंने बहुत सारे लोगों की पढ़ी भी है, लेकिन ये यशवंत टीका जो है वो काफी अलग लगेगी आपको। मराठी के छात्रों ने उसको पहले पढ़ा रहेगा, लेकिन ये अभी हिंदी में बनाया है तो बहुत और ज्यादा छात्रों के पास ये पहुंच जाएगा और उसका लाभ उनको मिलेगा और वो पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये खाली टीका नहीं है, एक उपनिषदिक आविष्कार मैं उसको मानता हूं। क्योंकि जो जिस तरह से ये टीका में उन्होंने खुद का ज्ञान जोड़ दिया है, क्योंकि वो तो खुद शिक्षक है, शिक्षक खाली नहीं है, वो प्रैक्टिशनर है, वैद्य है, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो क्लिनिक में जो अनुभव आता है वो अनुभव का रिफ्लेक्शन भी आपको उसमें दिखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही अलग तरह से किया हुआ ये प्रयास मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त साबित होगा। मैं अंत में धन्वंतरी के चरण में प्रार्थना करूंगा कि ये कोरोना समय कैसे बिताए, इसका जो आदर्श योगों जी ने किया वो हम सब अनुसरण उसका करें और ये कठिन काल में बाहर निकलने के लिए आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसा हो इसके बारे में और हम हमारी तरफ से भी प्रयास करें। उसमें यगो जी का अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। अंत में वैद्य यगो जोशी जी को पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, नमस्कार। इस कार्यक्रम का हम जब विचार कर रहे थे तब आज के दिन ही ये कार्यक्रम किया जाए ऐसा हमें लगा, क्योंकि आज वैद्य यज्ञ जोशी जी का जन्मदिन है। वो आज 85 वर्ष पूर्ण करके 86 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमने ये सोचा कि ये बहुत औचित्यपूर्ण बात है। इसलिए पहले पता नहीं था और 85 ईयर जो मैंने अंदाज लगाया था वो भी बिल्कुल सही आया। यगो जोशी सर, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सबकी तरफ। धन्यवाद। और इसलिए हमने ऐसा सोचा कि वैद्य यगो जोशी जी, प्रोफेसर पटवर्धन सर, महेश व्यास जी, वैद्य अभिजीत सराफ जी, ऐसे चार जनरेशन्स यहाँ उपस्थित है और वैद्य और शास्त्रज्ञ ऐसे दोनों भी रिप्रेजेंटेशन्स यहाँ है। तो ये कार्यक्रम मुख्यतः चरक संहिता के संदर्भ में उसकी उपयोगिता महत्व कैसा है ये हम प्रस्तुत करेंगे। पुस्तक की यह संकल्पना वास्तव के रूप में आई क्योंकि पुणे साहित्य वितरण ने इसका विमोचन किया। मैं पुणे साहित्य वितरण के मुग्धा कोपरडेकर जी को विनंती करूंगा कि इसके बारे में एक प्रकाशक के कुछ शब्द कहें। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं भूषण जी और अन्य मान्यवरों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय इस प्रकाशन के लिए दिया है। वैद्य यगो जोशी ये हमारे फैमिली मेंबर ही है। 1995 से लेके आज तक उन्होंने हम पे बहुत बड़ा विश्वास रख के उनकी सारी किताबें हमें प्रकाशन करने का अवसर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। आज उनके 85th बर्थडे पे सबसे पहले तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
इंद्रायणी साहित्य ये 1965 में मेरे स्वर्गीय ससुर जी ने स्थापना की थी इस संस्था की। आज तक 2500 से ज्यादा किताबें हमने प्रकाशित की है, मुख्यतः मराठी ये लैंग्वेज में ही ये सारी किताबें बनी थी। काय चिकित्सा हिंदी ये योग जी का सबसे पहले हमने हिंदी किताब पब्लिश की थी। तो 1981 से पुणे साहित्य वितरण ये एजुकेशनल बुक्स पब्लिश करने के लिए एक डिवीजन बनाया गया और मुख्यतः इसमें आयुर्वेद की किताबें प्रकाशित हो रही है। योगा जोशी जी की सारी किताबें आज अवेलेबल है और सब मराठी में है। पहली किताब थी काय चिकित्सा और आज चरक संहिता का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। इसमें मुझे बहुत आनंद हो रहा है और उनके बारे में अगर बोलना हो तो उनके उत्साह और उनके लिए हैट्स ऑफ है। एट द एज ऑफ 85 उन्होंने इतना 2500 पन्नों की किताब हिंदी भाषा में लाने के लिए, और ये सिर्फ उनका छात्रों के प्रति प्रेम, ये एक ही इसके पीछे का मुख्य कारण है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और सिर्फ यही एक अनाउंसमेंट करूंगी कि 15 तारीख तक ये महीने के ये दोनों खंड 1500 रुपए में उपलब्ध है और इसके साथ भेंट स्वरूप में काय चिकित्सा हिंदी आपको मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस ऑफर का लाभ लीजिए और आपकी किताबें बुक कीजिए। डिटेल्स आपको सारे चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। बस इतना कह के मैं आपसे कार्यक्रम आगे बढ़ाने की गिरीश जी आप कार्यक्रम आगे ले चलिए। थैंक यू। धन्यवाद मुग्धा जी। गिरीश एक मिनट, मुग्धा जी आपने जो ये जो कार्य किया है यगो जोशी का, जोशी जी का किताब यशवंत टीका के दो बहुत बड़े वॉल्यूम प्रकाशित करके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं बोलूंगा। और मैं बताना सबको चाहूंगा कि इसमें जो प्रिसीजन है, एक अच्छा सा उसको लेआउट जो दिया हुआ है, और योगो जी ने भी प्रूफ रीडिंग के समय काफी कष्ट लिए रहेंगे, लेकिन इसमें मुझे एक परफेक्शन नजर आया है सभी तरह से। एक बुक अच्छा, दिखने में भी बहुत ही अच्छा बुक है, अंदर कंटेंट भी बहुत ही रिच है, और आयुर्वेद के प्रति ऐसा प्रकाशन करना ये एक बहुत ही अच्छा काम आपके प्रकाशन माध्यम से हो रहा है। मैं आपको और आपके कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद भूषण जी। और गिरीश मुझे दूसरे कार्यक्रम में आज जाना है। यगो जी मुझे आप आज्ञा दीजिए, एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें मुझे शामिल होने के लिए जाना पड़ेगा। मैं आपको खुद आके मिलूंगा, पुणे में हूँ अभी, और पुनश्च आपको बधाई हो आपके जन्मदिन की। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का एक वैशिष्ट है कि तीन जनरेशंस के जो अभ्यासक हैं चरक संहिता के, आचार्य जोशी जी तो है ही, लेकिन डॉक्टर महेश व्यास जी कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डीन है, और वैद्य अभिजीत सराफ, अभिजीत जी आयुर्वेद के अध्यापक है और विद्यार्थी भी, और वैद्य अभिजीत जी डॉक्टर अनंतराव धर्माधिकारी जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा अभिजीत जी ने चरक संहिता सीखी है और उसका निरंतर पठन और अध्यापन करना, ये इसमें अभिजीत जी को रुचि है। मैं अभिजीत जी से विनंती करता हूं कि वो अपने विचार रखें। अभिजीत जी ओके। अद्य चरक संहितायाः यशवंत व्याख्यायाः हिंदी भाषांतरस्य
प्रकाशन समारंभे तथा अस्मिन् व्याख्यान प्रसंगे अहम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषां सुस्वागतं करोमि। एषः वैद्य जोशी महोदयस्य जन्मदिनः। अहम् तस्य अभिवादनं करोमि। दिनम् इदं समुदैति पुनः पुनः आचार्यः। अग्रे अहम् मम विचारः हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि। नमस्कार। आज का ये दिन बहुत ही आनंद का है। एक तो हमारे सबके आचार्य वैद्यराज जोशी महोदय जी का आज जन्मदिन है और इस दिन पर उनके द्वारा बहुत प्रयास करके अत्यंत मौल्यवान ऐसी जो यशवंत व्याख्या उन्होंने लिखी है, पहले मराठी में लिखी थी और अभी उसका हिंदी में प्रकाशन हो रहा है, इसका प्रकाशन आज इसी दिन हो रहा है तो ये बहुत ही आनंद का दिन है। और ऐसे दिन पर हमारे जैसे चरक के छोटे से अभ्यासक को यहाँ पे कुछ कहने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत भाग्य का क्षण है। आज का जो विषय है वो है आधुनिक काल में चरक संहिता का महत्व। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के तो विषय आगे के व्याख्यान में हो जाएंगे, पर आज का जो काल अभी चल रहा है, जैसे डॉक्टर पटवर्धन जी ने कहा कि ये जो कोरोना का काल है, कोविड का ये जो पैंडेमिक का काल है, इसके बारे में हमें चरक संहिता में से कुछ मार्गदर्शक तत्व प्राप्त होते हैं क्या, इसका विचार हम संक्षेप में करेंगे। महाभारत काल के पूर्व 100 वर्ष पहले चरक संहिता का जो मूल स्वरूप था अग्निवेश तंत्र, इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि हमारे जो अग्निवेश महर्षि है ये आचार्य द्रोण के धनुर्वेद के गुरु थे। इसका रेफरेंस महाभारत में है, आदि पर्व में है। और महाभारत के युद्ध के समय में जो जो वैद्य गण समूह उपस्थित थे उनमें भी आत्रेय जी का और पुनर्वसु जी का नाम उपस्थित है, वहां पे संदर्भ मिलता है। तो महाभारत के समय में ये ग्रंथ अग्निवेश तंत्र लिखा गया। आयुर्वेद की परंपरा उससे पहले की है, किंतु जो ग्रंथ निर्माण जो हुआ वो महाभारत के काल के आसपास हुआ। आज महाभारत को 5000 साल हुए और इतने 5000 साल में न जाने कितने बदलाव आते गए, न जाने कितने आक्रमण हुए, कई संस्कृतियों ने आक्रमण किया, कई विचारों ने आक्रमण किया, फिर भी चरक संहिता और उसके साथ हमारी अन्य जो दूसरी दो संहिता है, सुश्रुत संहिता और काश्यप संहिता, वो अपने मूल स्वरूप में उनका प्रवाह चलता रहा। और उनमें भी काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ होने के कारण चरक संहिता पर दो बार संस्कार हुआ। प्रथमतः प्रतिसंस्करण हुआ और फिर संपूर्ण हुआ और हमारे सामने आज के स्वरूप में ये संहिता प्राप्त होती है। जो आज हमें संहिता मिलती है ये चरक का बंगाल पाठ है, किंतु चरक का एक और मूल पाठ है वो काश्मीर पाठ है। वो कभी कभी उसके सूत्र मिलते हैं पर पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है। कई लोगों का ऐसा विचार है कि चरक संहिता को सिद्धिस्तान के बाद उत्तर तंत्र भी होगा, जैसे बाकी के संहिताओं को भी है उसी प्रकार उत्तर तंत्र भी होगा, क्योंकि आखिरी सूत्र में तंत्र युक्ति की विवेचन में कल सिद्धिस्तान के 12वें अध्याय में वो कहते हैं एतद् उत्तरे प्रवक्ष्यामि, मतलब इसके आगे भी कुछ अगर होगा वो अंश भी आज हमारे सामने नहीं है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं या लिटरेरी रिसर्च करते हैं उनके लिए ये दो चुनौतियां हैं कि चरक संहिता का आगे अगर तंत्र होगा तो क्या हमें मिल सकता है, दूसरा चरक का काश्मीर पाठ क्या हमें मिल सकता है, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। चरक मूल जो चरक व्यक्ति है चरकाचार्य, ये काश्मीरी थे और वो बाद में कुषाण नाम का जो राजा था उसके कनिष्क नाम का जो राजा था उसके दरबार में राजवैद्य थे
उनके साथ में वराहमीर भी उनके दरबार में था, और बाद में जब उन्होंने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारा तो वो उत्तराखंड में, आज का जो उत्तराखंड है वहां पे देहरादून के थोड़े आगे चरकान्य शिखर नाम के शिखर पे उन्होंने निवास किया, वहां पे अध्ययन अध्यापन और संहिता संस्करण का जो कार्य है वहां पे किया है। आज भी वो जो स्थल है वो मौजूद है और हमें प्राप्त होता है। आज का जो कोरोना का समय है ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, वायरल वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली डिसीज है। इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज के पहले भी कई प्रकार के इपिडेमिक्स आके गई है। पैंडेमिक पहली बार आई है, पर इपिडेमिक जो है वो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आदि जो बार बार साथी के जो रोग आते हैं वो बार बार आके गए हैं। अभी भी डेंगू चलता रहता है, और भी कॉमन फ्लू है आदि सभी प्रकार के वायरल डिसीजेस हमारे आमने सामने पेशेंट आते हैं, पर ये कोरोना ज्यादा विस्तृत स्वरूप का है। और इसको चरक क्या मार्गदर्शक देते हैं ये विचार हम अभी कुछ हमारे पास जो समय है उसमें मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं बहुत जिम्मेदारी से और संदर्भ के साथ ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो ही इन्फेक्शियस डिसीज के प्रतिबंध के लिए हुई है। हाँ, आपने ठीक सुना, आयुर्वेद शास्त्र की जो निर्मिति हुई है वो भी इन्फेक्शियस डिसीज के प्रतिबंध के लिए ही हुई है। संदर्भ है चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा, उसमें कृत युग के और त्रेता युग के संधि काल में दक्ष का यज्ञ का आयोजन किया गया था, और उस समय में शंकर जी के, वो कथा आपको पता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, शंकर जी के क्रोध से वो दक्ष का यज्ञ का उध्वंस किया। अब ये क्रोध कौन था, तो क्रोध ये एक विषाणु का उल्लेख है, उसमें उसका वर्णन दिया है, त्रिपाद त्रिशिरा भस्म प्रहरण रस्व जंघा उदरा, ये सभी विषाणु का वर्णन वहां पे उस प्रकार से किया है, जिसको तीन शिर है तीन पाद है ऐसा वो क्रोध था। और उसको उत्पन्न करने के बाद दक्ष का यज्ञ का विध्वंस तो हो चुका, उसने फिर शंकर जी को कहा अहम किम करवाणी, ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 18-19-20 नंबर के सूत्र में कहीं पे है, अहम किम करवाणी। देखिए चरक में दो जगह पे ऐसी कथा आई है, एक ज्वर में आई है एक राजेश्वर में आई है। जब इस प्रकार की रूप कथा आती है किसी शास्त्र के ग्रंथ में आती है तो वो कोई ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक घटना को रूपकात्मक स्वरूप में वर्णन करने के लिए आती है, क्योंकि चरक एक शास्त्र का ग्रंथ है, कोई साहित्य का ग्रंथ नहीं है। तो उसने पूछा शंकर जी को कि अहम किम करवाणी, तो शंकर जी ने कहा कि हे क्रोधा लोके ज्वरो भविष्यसि, आप लोक में पृथ्वी लोक में जाओ और ज्वर उत्पन्न करो। किन में उत्पन्न करो, तीन अवस्था दी है, जन्मादो निधने च, जन्म के समय में और निधन के समय उस जीव के, और तीसरा जो हमारे लिए महत्व का है अपचारांतरेषु, जो व्यक्ति अपचार करता है हेतु उत्पन्न करता है हेतु सेवन करता है उसके शरीर में आप प्रवेश करो और उसको ज्वरित करो, ये आगंतु ज्वर का वर्णन है। और ये काल में ये व्याधि उत्पन्न होने के बाद क्रमशः फिर कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई, ज्वर से आगे व्याधियां और उसी के कारण उत्पन्न हो गई, और फिर ये व्याधि उत्पन्न होने के कारण उस समय के जो लोग थे उनके तप उपवास व्रत अध्ययन ब्रह्मचर्य आदि जो विधियां थी उनमें रुकावट आनी शुरू हुई। ये संदर्भ चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में है। और फिर इसका उपाय क्या करेंगे, इस ये जो रोग उत्पन्न हुए हैं इसका उपाय क्या करना चाहिए, इसका विचार करने के लिए उस समय के सभी बड़े शास्त्रज्ञ जिनको ऋषि कहा जाता था, ऋषि ये शब्द का मूल अर्थ शास्त्रज्ञ है, वो हिमालय के एक जगह पे इकट्ठा हुए। और उस समय का भारत ये आज का भारत नहीं है, उस समय का पूरा जम्बू द्वीप मतलब पूरा आशिया और रशिया दोनों मिलके जो खंड है उसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, वो सभी वहां के शास्त्रज्ञ इकट्ठा हुए और उन्होंने
उसका उपाय ध्यान रूपी चक्षु से ढूंढा और उनको पता चला कि इसका उपाय इंद्र के पास है। इंद्र के पास जाने के बाद में ये वो कथा आपको पता है, फिर भी आने के बाद इन सभी ऋषि, इंद्र ने उनको सिर्फ सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म इतना ही सिखाया, पूरा आयुर्वेद सिखाने के लिए उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वो इंद्र है, उसको समय ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ मूल सिद्धांत बताए और फिर से वापस आने के बाद इन सभी ऋषि मुनियों ने ज्ञान रूपी चक्षु से चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय नंबर एक सूत्र क्रमांक 27 ज्ञान रूपी चक्षु से उन्होंने इस ग्रंथ में वर्णित सभी विधियों का निर्माण किया। अब ज्ञान चक्षु क्या है, इसका संदर्भ है चरक विमान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 33। वो कहते हैं ज्ञान रूपी चक्षु ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐतिह्य युक्ति आदि प्रमाणों को हेतु कहा जाता है और यही ज्ञान रूप चक्षु है। ये जो विधिया निर्माण हुई है ये ऐसे ही निर्माण नहीं हुई है, ये प्रमाणों के साथ निर्माण हुई है। इसका ये संदर्भ है कि आयुर्वेद ये प्रमाणाधिष्ठित शास्त्र है, इसका चरक का ये संदर्भ है। अब ये एपिडेमिक तो उत्पन्न हो गई, अब इसका वर्णन हमें कहा, उसकी चिकित्सा मतलब आयुर्वेद का प्रथम जो स्वरूप है वो एपिडेमिक के चिकित्सा के लिए है। फिर उनको चिकित्सा करते 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 दोषों का ज्ञान प्राप्त हुआ कि शरीर में ऐसे कुछ भाव है जो पहले से ही अगर विकृत होते हैं तो जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है वो उसको बाधित करेगा। आज भी हमें दिखाई देता है कि वायरस तो एक समान है, पर कोई असिम्टोमेटिक है, कोई मॉडरेट है, कोई माइल्ड है, कोई सीवियर सिम्टोमेटिक है, या किसी को अभी तक उसकी बाधा हुई नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अभी मेरे पास 2-3 रुग्ण है कि जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है पर उनमें उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप है। इसका मतलब वायरस आके चला गया है पर सिम्टम डेवलप नहीं हुए। इसका संदर्भ उसी ज्वर चिकित्सा अध्याय के 12 नंबर के सूत्र में है। सूत्र नंबर ऐसा है, सूत्र ऐसा है देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवते, जिसके शरीर में दोष विकृत नहीं है उसको ज्वर होता नहीं है, और जिसके शरीर में दोष विकृत है पहले से ही उसको ज्वर होता है, आगंतुक की बाधा होती है। अब यहाँ पे चक्रपाणी की टीका बहुत महत्व की है। उन्होंने कहा है कि जो होता नहीं है इसके लिए भवती क्रियापद का उपयोग कर किया जा सकता था, किंतु चरक ने मतलब मूल जो अग्निवेश है उन्होंने समुपसेवते इस क्रियापद का उपयोग किया है। तो समुपसेवते इस क्रियापद से उनको क्या दर्शाना है ये चक्रपाणी कहते हैं। टीका ऐसी है, समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य आवेशम दर्शयति, शरीर में किसी सूक्ष्म प्राणी का प्रवेश दर्शाने के लिए ये सम उपसेवते, उपसेवन मतलब नजदीक आना, अंदर प्रवेश करना। तो जिसके शरीर में पहले से ही दोष विकृत है उसके शरीर में अगर वायरस प्रवेश करता है तो वो उसको व्याधिग्रस्त करता है अपचारांतरेषु, और जिसके शरीर में दोष विकृत नहीं है उसके शरीर में वायरस प्रवेश करता है पर वो संप्राप्ति निर्माण नहीं करता, लक्षण छुटमुट दिखाई देगा पर वो दोष दुष्य समूर्छना वहां पे नहीं करेगा और आगंतु व्याधि उसको नहीं होगी। ये चरक का इतना बड़ा हमें मार्गदर्शक तत्व है। दूसरा वर्णन राजयक्ष्म चिकित्सा अध्याय में है। यक्ष्मा का अर्थ सूक्ष्म जीव है, हम राजयक्ष्मा को सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट करते हैं, दिस इज ये अव्याप्त है। यक्ष्मा मतलब सूक्ष्म जीव, सभी प्रकार के इन्फेक्शियस, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की द्वारा उत्पन्न होने वाले व्याधियों की चिकित्सा कहां मिलेगी, वो राजयक्ष्मा में मिलेगी। तो क्योंकि उसका वर्णन वहां उस अध्याय में है, उसी अध्याय में कथा है, वो कथा आपको पता है कि चंद्र को श्राप मिल गया दक्ष का वगैरह 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 और उसको फिर राजयक्ष्मा हो गया। पर वहां पर एक सूत्र है, सूत्र नंबर 12 राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय नंबर 8, वो है, सूत्र बताता हूं मैं आपको उसका अर्थ क्या है कि लब्ध्वा चतुर्विदम हेतुम समाविशति मानवान स यक्ष्मा हुं कृतो अश्विभ्याम मानुषम लोकम आगता। अब ये चरक का वर्णन कुछ एक मैंने पुरानी काय चिकित्सा की किताब है, शायद नॉर्थ के कोई किसी ने लिखी है, उसमें जब राजयक्ष्मा का वर्णन आता है
तो उसमें एक चित्र दिया है कि एक रुग्ण सोया हुआ है, एक घोड़ी का चित्र है, मुख का चित्र है, और उसके नाक से ऐसा एक पुरुष आता है और वो उसके शरीर में प्रवेश करता है। क्या होता है कि संस्कृत शब्दों का अर्थ उसके अधिकरण से न लेने के कारण इस प्रकार की गलतियां हो सकती है। अश्वी नाम का यहां पे जो अर्थ है वो किसी घोड़ी का अर्थ नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ता है प्रश्नोपनिषद में। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि जो हमारी विलियम्स, सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट है, वो 600 दिन के लिए अवकाश में रही और वहां पे उन्होंने करीब 72 प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। और उनको ऐसा मिला, उनमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि ये जो पैंडेमिक आती है, ये जो एपिडेमिक आती है, ये पैंडेमिक आने के पहले और पैंडेमिक चल जाने के बाद ये जो वायरसेस रहते हैं ये कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उसका कुछ अंतराल में उत्तर मिलता है क्या, ये उनको ढूंढना था। एंड टू देयर सरप्राइज कि उनको जो ओजोन का लेयर है हमारा, उसके नीचे का जो लेयर है अवकाश का, देयर आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आप जो नाम लो वायरस का, उसकी पूरी कॉलोनीज है वहां पे, और जो आज हमें पता भी नहीं है ऐसे वायरस भी वहां पे है। और उन्होंने फिर उनके लाइफ साइकिल का अभ्यास किया तो वो जो वायरसेस है वो एक सर्टन काल के बाद पृथ्वी पर नीचे आते हैं, वहां पे लोगों को व्याधिग्रस्त करके फिर अपने उस लेयर पे आके अपनी कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए अभी आपने पढ़ा होगा कि हर 100 साल के बाद एक पैंडेमिक आती है बड़ी, ये कभी ना कहीं कहीं ना पढ़ा होगा आपने एक साल में। इस अभी यही वर्णन जो सुनीता विलियम जी ने रिसर्च किया, यही वर्णन चरक के इस सूत्र में है। लब्ध्वा स यक्ष्मा, यक्ष्मा मतलब जीव, हुंकृतो अश्विभ्याम। अब अश्वी क्या है तो प्रश्नोपनिषद में और केन उपनिषद में वातावरण के 7 स्तरों का नाम है, उसमें 6 नंबर का जो स्तर है उसका नाम अश्वी है। तो अश्वी ये ऊपर से 2 नंबर का जो लेयर, ऊपर से पहला जो है ऊपर का वो अंतिम लेयर, उसके नीचे अश्वी है। इसमें से ये जो छोटा सूक्ष्म वायरस है वो उसके, वो मानुषम लोकम आगता, मनुष्य लोक में आता है। और लब्ध्वा चतुर्विधम हेतुम, जो व्यक्ति 4 प्रकार के हेतु सेवन करता है, विषमाशन, साहस, वेग संधारण और क्षय, इनके शरीर में ये समाविशति मानवान, समावेश करना मतलब प्रवेश करता है और उसको व्याधित करता है ज्वर से, ज्वर मतलब व्याधि। अब इतना बड़ा हमारे पास मार्गदर्शक तत्व है, चिकित्सा हम तो करते हैं, चिकित्सा कई द्रव्यों के साथ करते हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में और चरक में इन्फेक्शियस डिसीज कैसे होती है, इसका मूलतः वर्णन है। बिना दोषों की चिकित्सा से हम व्याधि हो नहीं सकता। हम आज कोरोना के काल में कई वैद्य कोरोना की चिकित्सा कर रहे हैं, यशस्वी चिकित्सा कर रहे हैं, किंतु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोरोना वायरस की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे द्रव्यों के परे है। हम चिकित्सा कोरोना वायरस के प्रवेश से उस रुग्ण के शरीर में विकृत होने वाले दोष धातु मलों पर चिकित्सा कर रहे हैं। जो दोष धातु मल विकृत हो गए हैं कोरोना के प्रवेश से, उसके ऊपर हम चिकित्सा करेंगे। वायरस तो हमारे चिकित्सा से परे है, हमारा वो उद्देश्य नहीं है, वायरस नष्ट करना यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमें जो दोष विकृत हुए है शरीर को इतना बलवान करना कि वो वायरस नष्ट हो जाए। जो हमारे कृमिघ्न द्रव्य है वो हम उपयोग में ला सकते हैं। अभी चरक में इतने सारे प्रकार का, इतने सारी कृमियों का वर्णन है, उसमें रक्तज कृमि का वर्णन है, और हम रक्तज कृमि के वर्णन को सिर्फ कुष्ठ के साथ कोरिलेट करते हैं, किंतु अतिदेश तंत्र युक्ति से हमें रक्त में जो जो कृमि समाविष्ट होते हैं, प्रवेश करके शरीर में रक्त में आते हैं, उनका विचार करना पड़ता है, श्लेष्मज कृमि का विचार करना पड़ता है। हम कृमि का विचार जब करते हैं तो सिर्फ पुरुषज कृमि का विचार करते हैं प्रायः, पर रक्तज कृमि और श्लेष्मज कृमि का विचार हम कब करेंगे? तो कोरोना की चिकित्सा करते समय इनका भी विचार करना चाहिए। अब चरक में विसर्प नाम का एक पूरा अध्याय है, और हम विसर्प चिकित्सा को या विसर्प व्याधि को सिर्फ हर्पिस से कोरिलेट करते हैं। यह भी थोड़ा सा अव्याप्त होता है, क्योंकि चरक चिकित्सा में जो 30 अध्याय है ये एक एक व्याधि के अध्याय नहीं है, ये एक संप्राप्ति के अध्याय है। इसका अर्थ अतिसार चिकित्सा अध्याय है,
तो ये अतिसार व्याधि की चिकित्सा नहीं है। अतिसार होने के लिए जो संप्राप्ति होती है दोषों की, धातुओं की, वो किसी भी व्याधि में हो उसमें अगर अतिसार लक्षण उत्पन्न होता है तो उसकी चिकित्सा इस अध्याय में वर्णन की है। छर्दी चिकित्सा अध्याय है, तो छर्दी ये लक्षण, संप्राप्ति होने के बाद जो लक्षण उत्पन्न होता है छर्दी, वो किसी भी व्याधि में हो, किसी भी संप्राप्ति में हो, अगर लक्षण उत्पन्न होता है तो आपको वहां पे चिकित्सा उस अध्याय के अनुसार करनी पड़ेगी। और इसलिए विसर्प का अर्थ सिर्फ हर्पीस जोस्टर या हर्पीस नहीं है। विसर्प इसका अर्थ यहां सर्पति सविसर्प, जो फैलता है उसको विसर्प कहेंगे। शरीर पर अगर एक कहीं पीटिका उत्पन्न हुई है, एक भी पीटिका उत्पन्न होती है तो उसको कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ मतलब त्वचा विकृति, एक भी पीटिका विवरणता उत्पन्न होती है तो वो कुष्ठ है। किंतु अगर एक पीटिका उत्पन्न हो गई और फिर वो धीरे 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 फैलने लगी तो वो विसर्प में जाती है संप्राप्ति। विसर्प दो प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य विसर्प तो हमें समझ सकते हैं हम, क्योंकि उसका प्रसार दिखाई देता है, पर अभ्यंतर विसर्प का विचार कैसे करना चाहिए ये एक अलग व्याख्यान का विषय है, तो वो अभी उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। किंतु मेरे अनुभव में जो अभी तक मैंने गए जून से कम 9000 कोरोना के रुग्ण देखे हैं, उसकी चिकित्सा की है, और मेरा जो अनुभव है कि विसर्प में जो चिकित्सा के सिद्धांत है और विसर्प में जो क्वाथ वर्णन किए हैं वो कोरोना के इस चिकित्सा के चिकित्सा इसमें बहुत उपयोग में आते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। 6 प्रकार के क्वाथ दिए हैं विसर्प में, आप भी उसका उपयोग करिए और रुग्णों को और खुद को रोगों मुक्त करिए, क्योंकि ये एक प्रकार का विसर्प है, ये फैल रहा है, एक स्रोत से दूसरे स्रोत को विकृत करता है। और आज का जो कोरोना का हमें स्वरूप मिलता है ये सिर्फ प्राणवह का स्वरूप नहीं है, इसमें अन्नवह की विकृति है, इसमें उदकवह की विकृति है, इसमें मूत्रवह की विकृति दिखाई देती है, और ये करने वाले दोष है। दोष जिस स्रोत में जाके स्थान व संश्रय करेंगे उस प्रकार की लक्षण वहां उस रुग्ण में मिलेंगे। हेतु कोरोना वायरस है, आगंतु हेतु है, तो हमें हेतु की चिकित्सा मतलब वायरस की चिकित्सा करने से जो अभी दोष विकृत हुए हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। दूसरा, चरक में सभी प्रकार के विषम ज्वर और आगंतु ज्वर को एक अत्यंत महत्व का सूत्र दिया है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना। ये हम उपयोग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का हर रोज 2 या 3 बार पठन करना या उस रुग्णों को सुनाना, ये सिर्फ चरक में संदर्भ है, ये बाकी किसी भी संहिता में इसका संदर्भ नहीं है। तीसरा, रक्तमोक्षण, यह अत्यंत महत्व की चिकित्सा है इन्फेक्शियस डिसीज में, और रक्तमोक्षण से तुरंत जो लक्षण है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो रुग्ण थोड़ा सा सीवियरिटी के जा सकता है या थोड़ा उसमें और आगे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं वो हम उसके ऊपर रुकावट कर सकते हैं। और रक्तमोक्षण को कितना करना है, सिर्फ 100 cc भी रक्तमोक्षण किया 100 cc तो भी चलता है। तो ये बिल्कुल भी पैनिक होने की, पैंडेमिक में पैनिक होना बिल्कुल नहीं चाहिए, चरक हमें बहुत अच्छा प्रकार का मार्गदर्शन करता है। और इसलिए मुझे समय है और या समय खत्म हो रहा है गिरीश जी? 5 मिनट है। ओके, तो चरक ये बहुत काल से हम सबको मार्गदर्शन करता आ रहा है, और आज भी चरक के 3 अध्याय में आपको बताता हूं, उसका अध्ययन पूरा करके अगर आप पेशेंट देखोगे कोरोना के तो आप यशस्वी चिकित्सा कर पाओगे। एक ज्वर चिकित्सा, दूसरा विसर्प चिकित्सा, और तीसरा राजयक्ष्मा चिकित्सा। इन 3 चिकित्सा अध्यायों का सामग्रिक अभ्यास और तौलनिक अभ्यास किया, और उस अध्याय में क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं पूरे औषधि कल्पों में का वर्णन करूं, किंतु विसर्प के जो क्वाथ है और विसर्प में जो अन्य चिकित्सा पद्धति है उसका बहुत सुंदर उपयोग हो रहा है, ये मैं मेरे अनुभव के साथ फिर से आपको बताता हूं। और एक विषय चरक का ही आगे, अष्टांग संग्रह ने ज्वर निदान से पहले सर्व रोग निदान नाम का अध्याय लिखा है, निदान स्थान का पहला जो अष्टांग संग्रह में है, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन है कि वो जो यक्ष्मा है वो शरीर में प्रवेश करता है। मतलब हमारे जो सभी ये ऋषि मुनि थे, इनको ये जो ग्रंथकार है, संहिताकार थे, इनको इस प्रकार का ज्ञान था। और मैं आपको और एक, शायद आपको अचंभित हो जाओगे,
हमारे जो अष्टांग है आयुर्वेद के, उसमें काय बाल ग्रह, ये जो ग्रह नाम का जो यह अंग है काय आयुर्वेद का, इसका दूसरा नाम भूत विद्या भी है। तो भूत का अर्थ वो आकाश में रहने वाले, सॉरी पेड़ पे रहने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, कभी कभी सीरियल सिनेमा में दिखाई देने वाले जो भूत है, उन भूतों का वर्णन नहीं है। जारण मारण उच्चाटन का वर्णन आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं है। भूत का अर्थ है सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म जंतु। और ग्रह का अर्थ, ये आकाश में जो ग्रह है मंगल बुध, इनका कुछ भी संबंध नहीं है। ये ग्रह का अर्थ ग्रहण करना, ग्रहित करना, मतलब जकड़ना, पकड़ना। तो ये जो सूक्ष्म जंतु है, ये जब किसी मनुष्य को जकड़ते हैं, पकड़ते हैं और व्याधित करते हैं, उसका जो अंग डेवलप हुआ आयुर्वेद में, वही ग्रह विद्या या भूत विद्या है, जिसको आज हम एलोपैथी ऐसा कहते हैं। तो एलोपैथी इज अ ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा। ये आज मैं कह रहा हूं, शायद आपको हंसी आएगी, शायद आप कहोगे कि ये पागल है, पर मेरा वाक्य लिख के रखिए, आगे के 50 साल में ये एलोपैथी के लोग ही कहेंगे कि वी आर अ ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि उनके पास निज व्याधि का विचार ही नहीं है। जिस अवस्था में आयुर्वेद दक्ष यज्ञ के बाद में जो व्याधि उत्पन्न हुई थी पहली पैंडेमिक, उसी अवस्था में आज एलोपैथी है। वो सिर्फ वायरस का विचार करते हैं, अभी वो वायरस के पीछे जो निज दोष है, निज धातु, निज मल है, उनके पास गए नहीं अभी। इसलिए ग्रह विद्या यानी एलोपैथी, भूत विद्या यानी एलोपैथी, इट्स अ ब्रांच ऑफ आयुर्वेद। तो ये डेवलप करना उन्होंने डेवलप किया, बाकी का हमने वो डेवलप नहीं किया। शायद उस समय में कोई ग्रंथ होंगे, जैसे चरक ये काय चिकित्सा प्रधान है, सुश्रुत शल्य प्रधान है, वैसे ही ग्रह विद्या प्रधान भी शायद कोई ग्रंथ उस समय में होगा, जो आज हमारे पास नहीं है हमारे दुर्दैव के कारण। किंतु ये जो भूत विद्या और ग्रह विद्या है, बाल ग्रह मतलब क्या है, तो बालकों में होने वाले सभी वायरल डिसीजेस है, उनके नाम उन्होंने दिए हैं, उनके लक्षण दिए हैं, उनकी चिकित्सा दी है, हमें सिर्फ उसको पढ़ना है और चिकित्सा करनी है, इतना आसान काम है हमें। किंतु हम क्या करते हैं, आयुर्वेद को एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में बिठाने का और एलोपैथी के या मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न रिसर्च के टर्मिनोलॉजी या उसके पद्धति में बिठाने का प्रयास करेंगे तो हम इस कभी भी सफल नहीं होंगे। हमें अगर आयुर्वेद में कुछ काम करना है तो चरक का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चरक का हाथ हमेशा साथ में रखिए। चरक खुद कहते हैं, चरक पठन करने का जो फल है वो सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में दिया है, उसमें सबसे पहला फल है दीर्घ आयु। अगर वैद्य को खुद को दीर्घ आयु चाहिए तो चरक का नित्य पठन होना चाहिए। मेरे गुरुजी वैद्य धर्माधिकारी सर जी ये हमेशा कहते हैं कि साधन नहीं तो भोजन नहीं। एक दिन में अगर चरक संहिता का एक भी पेज पढ़ा नहीं तो आप भोजन मत करिए। इतना कह के मैं, मुझे यहाँ पे मेरा मंतव्य रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार आचार्य योगो जोशी सर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनको शायद अभी याद नहीं होगा किंतु मैं उनका भी विद्यार्थी हूँ, उनके क्लिनिक में मैं कम से कम 6 महीने आया हूँ एज ए विद्यार्थी, और उन्होंने जो बिल्व के ऊपर बहुत बड़ा एक संकलन किया है उसका पूरा हस्तलिखित मैंने एक बार फिर से, क्योंकि वो जीर्ण हो चुका था तो मैंने वो फिर से मेरे हाथों से लिख के रखा था, उनको उनके पास ही है। और मैं उनको इस समय में विनती करता हूँ कि आपका जो वो जामनगर में आपने संकलन किया था बिल्व का, वो प्रकाशित कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत महत्व का है। बिल्व एक वनस्पति के ऊपर इतना संकलन, इतने स्वरूप का, ये बहुत रेयर घटना है। और इसी प्रकार से बाकी के वनस्पतियों के ऊपर भी इसके माध्यम से आगे के विद्यार्थी कुछ संकलन कर पाएंगे, तो ये मेरी विनती है सर कि आप उसका भी प्रकाशन कर दीजिए, आपके संकलन का। और आपकी जो यशवंत व्याख्या है इसकी कीर्ति और बढ़ती जाए और हमारे जैसे विद्यार्थियों को वो मार्गदर्शन करती रहे। इतना कह के मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। हमारे पूरे कार्यक्रम के आयोजक मेरे ज्येष्ठ बंधु वैद्य गिरीश जी, इनको भी मैं वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मेरे और एक गुरुतुल्य वैद्य व्यास सर जी, उनको भी वंदन करता हूँ और मेरा मंतव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा चरक संहिता का चरक संहिता के संदर्भ और आज की पैंडेमिक के
संदर्भ में उसका महत्व ये प्रस्तुत किया। मैं आभारी हूँ और कई आपके व्याख्यानों का अवसर हम सबको मिले ऐसे भी इच्छा व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे जो अगले व्याख्याता है प्रोफेसर महेश जी, प्रोफेसर महेश व्यास जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डीन हैं और वहीं संहिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। महेश जी जामनगर के भी संहिता विभाग के विभाग प्रमुख रह चुके हैं और अपनी रुजुता अध्ययन अध्यापन इससे महेश जी विद्यार्थी प्रिय अध्यापक है और उनके कई रिसर्च पेपर्स भी प्रकाशित हुए हैं। मैं प्रोफेसर महेश जी को विनंती करता हूं कि वे अपने विचार रखें। ओवर टू यू महेश। सर्वप्रथमं वैद्य यगो जोशी महोदयं प्रति मम पक्षतः जन्मदिवसस्य हार्दिकी शुभाशया शुभकामना प्रेषयामि। भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् स्वागतम्। Good afternoon to one and all the eminent dignitaries who have joined this webinar, Charak Samhita, the present context. I want to extend my heartfelt gratitude to the Professor Yogo Joshi ji, Vaidya Girish Tilu ji, and organizers of the webinar for selecting such an enlightening topic. Apart from the webinar, also it is indeed a very great day for all of us as we all are going to witness one amongst the glorified moment in Ayurveda field, that is the book release session Yashwantatika, which is authored by Vaidya Yago Joshi ji, the renowned clinician and former principal of Tilak Ayurveda Mahavidyalaya Pune, by the hand of Professor Bhushan Patwardhan ji, who is the National Research Professor Ayush and former Vice Chairman UGC. Moving further, I thank to other speakers, respected Professor Yago Joshi ji, Vaidya Abhijit Sarab ji, and guests for becoming the part of this webinar. Now, as we all know that Charak Samhita in the field of Ayurveda is considered to be the most authentic and most referred book among the Ayurveda fraternity, and is considered as the treasure trover of the basic principles of Ayurveda. Not only this, it is also a rich literary source of the entire Ayurveda research activity. The Charak Samhita is therefore the Ayurveda encyclopedia that needs to be deciphered in all its potency for the propagation of Ayurveda system of life. आज का जो मेरा विषय है, जैसे कि अभी सभी जानते हैं, चरक संहिता की युगा और प्रासंगिकता। चरक संहिता के सिद्धि स्थान में सूत्र सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 12 में कोटेशन नंबर 54 में एक कोटेशन कहा गया, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्कुचित अग्निवेश प्रत्यंत्र चरक प्रति संस्कृत है। और इस कोटेशन का अर्थ है कि चरक संहिता में सब कुछ है। जब अपन आज कहें कि युगानुरूप इस युग में उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं चरक संहिता में ही लिखा है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्कुचित, सब कुछ उसमें विद्यमान है, चाहे वो कोरोना पैंडेमिक का ट्रीटमेंट हो या जो आयुर्वेद प्रारंभ हुआ और वहां पर कहा गया विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। तो आयुर्वेद के प्रारंभ से लगा करके आज तक ये पूरा जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को अपन देखें तो चरक संहिता में सब कुछ समाहित है। लेकिन मेन बात यह है कि चरक संहिता में सब कुछ होते हुए भी फिर भी कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति आती है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसका मेन कारण यह है कि चरक संहिता को सही प्रकार से समझना। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनम ताभ्याम विषक संयुक्ताभ्याम चिकित्सन न पराद्यति,
तो शास्त्र को सही रूप से समझना ये मेन बात है। और मैं हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के लिए एक प्रसन्नता की बात है कि आज प्रोफेसर यगो जोशी जी द्वारा लिखित यशवंत टीका जिसका विमोचन अभी प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी ने किया, हम सब के लिए चरक संहिता को समझने के लिए एक ये नया सोपान है। चरक संहिता जहाँ प्रारंभ हुई थी तब महर्षि अग्निवेश ने आचार्य चक्रपाणि ने टीका में उस बात को कहा कि परम कारिण को अत्र अग्निवेश काय चिकित्सा प्रधान तंत्र प्रणेतुम आरब्धवान, मैंने मानव मात्र पर करुणा करके अग्निवेश ने चरक संहिता का प्रारंभ किया था। ठीक उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर यगो जोशी जी ने जो अपने पूरे कहना चाहिए कि इतने कालखंड के अपने जीवन के जितने भी उनको अनुभव थे उन सबको समावित करते हुए चरक संहिता की जो यशवंत टीका लिखी है, निश्चित रूप से चरक संहिता को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम सब के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम सब आयुर्वेद के स्टूडेंट ही हैं, हम सब के लिए वो समझने के लिए बहुत अच्छी है। और मैंने जब इस संहिता को देखा जो टीका है गुरु जी की, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि चरक संहिता में कहा गया कि त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जो त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए हो। तो एप्टीट्यूड बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल इंटेलेक्ट, सभी लोगों के लिए वो यूजफुल हो। उसी प्रकार से इसमें चक्रपाणी की टीका उसका भी समावेश है, इसमें गुरुजी के स्वयं अनुभव का समावेश है, और जो मुख्य तंत्र है उस तंत्र के अर्थों को बड़े अच्छे से विवेचित किया है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि लक्षणवत उदाहरण वच्च जो है एक्सेम्पलरी लर्निंग जो है खास तौर से इस ग्रंथ को देख करके पता लगती है। अर्थ बहुलम आप्तजन पूजितम एविडेंस बेस्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी, एविडेंस इसको कहते हैं कि जो अपने अनुभव हैं, जो अलग अलग ग्रंथों में भी कोई बात बता रखी है तो उनका भी वर्णन कई कोटेशन को एक्सप्लेन करने में गुरुजी ने किया है। एक और जो विशेषता बता रखी है कि युक्ति दर्शनात् भिषज बुभुषु शास्त्रम मेव आदितः, तो लॉजिकल अप्लीकेशन जो है वो उसके अंदर होना चाहिए और उस टाइप की अप्लीकेशन इसके अंदर दिखाई देती है। और एक और जो संहिता को ग्रंथ को समझने के लिए जो हमारे यहाँ कहा गया अध्ययनम अध्यापनम तद्वित संभाषा, लर्निंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें सभी चीजें उस टाइप से बता रखी है कि आप लर्निंग के लिए, अध्ययन के लिए भी, अध्यापन के लिए हमको किस प्रकार से टीचिंग मेथोडोलॉजी, उनको किस किस जो इसके मुख्य संदर्भ हैं, मुख्य सिद्धांत, उनको किस प्रकार से हमको एक्सप्लेन करना है, और साथ में इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस उसको भी इसमें बता रखा। और आजकल आधुनिक युग के मान से, क्योंकि हम प्रासंगिकता चरक संहिता की वर्तमान युग में बता रहे हैं, तो इसके रूप में जो आयुर्वेद में बताया गया वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थाव्यवशः, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंड्रागोगी पेडागोगी एंड मॉडर्न डे क्लासरूम लर्निंग, ये सभी चीजों का समावेश इसके अंदर है। अब मेन बात आती है कि आयुर्वेद चरक संहिता जो कही गई ये इस युग में प्रासंगिक है कि नहीं है। इसके लिए अगर हम देखें तो सूत्र स्थान अध्याय 8 में कोटेशन नंबर 3 की टीका जब प्रारंभ होता है तो आचार्य चक्रपाणी ने करी, तो वहां पर एक शब्द उन्होंने कहा और उन्होंने कहा सर्व पारिषद विदम शास्त्रम, ये जो चरक संहिता है या जो आयुर्वेद शास्त्र है ये किस प्रकार का शास्त्र है, बोले सर्व पारिषद शास्त्र है। और सर्व पारिषद शास्त्र हम उसको कह सकते हैं जिस शास्त्र के अंतर्गत सभी विषयों का मैंने युग के अनुसार उसका वर्णन न पूर्वा पर विरोधम आहति, उससे पहले भी अगर कोई ग्रंथ है तो उनके सिद्धांत उसमें समाविष्ट हैं और आगे आने वाले समय में भी जिन सिद्धांतों की आवश्यकता होगी उन सब सिद्धांतों को उन्होंने इस रूप में विवेचित किया है कि उनका किसी प्रकार से विरोध मैंने उनका प्रयोग हर काल में किया जा सकता है, जिस ग्रंथ को बोलते त्रिकाल बाधित, जिसको त्रिकाल अबाधित है, किसी में कोई प्रकार की बाधा उसमें नहीं है, तो त्रिकाल अबाधित ग्रंथ के रूप में है और इसीलिए इसको कहा गया कि सर्व पारिषद मिदम शास्त्र, द नोबल टेक्स्ट ऑफ चरक संहिता इज कंप्लीट इन इट्स ट्रू सेंस ऑफ नॉलेज एज आचार्य चक्रपाणी हैज राइटली कोटेड दैट दिस शास्त्र इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल द कंटेम्पररी साइंसेस एंड इनरिच्ड विथ इट्स ओन यूनिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच मेक द चरक संहिता relevant in today's era। तो चरक संहिता के अगर विषय वस्तु को देखें तो चरक संहिता सूत्र स्थान में सबसे पहले दो विषय बता रखे, एक है त्रिसूत्र
एक चीज को अगर हम आगे जाके देखें तो त्रिउप स्तंभ आते हैं, और त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद में कहा गया है तो लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायण। इसकी टीका को अगर देखें तो चरक संहिता की प्रासंगिकता वर्तमान युग में स्वतः स्पष्ट होती है, और उसमें उन्होंने कहा कि यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, जो भी कुछ आयुर्वेद में कहा गया है तावत सर्वम हेत्वाद्यंतर्भूतम। तो न केवल चरक संहिता अपितु आयुर्वेद में, चाहे वो सुश्रुत संहिता में हो, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, लघु त्रयी या आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ है, उन सब ग्रंथों में जो बात कही गई उन सब का समावेश हेतु लिंग और औषधि इन तीन के अंतर्गत हो जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो चाहे कोई भी व्याधि हो, उसके कारण हो, उसके लक्षण हो, और उसकी चिकित्सा किस प्रकार से करना, इस सिद्धांत के आधार पर ही नवीन युग में, आधुनिक युग में होने वाली अलग अलग जो व्याधियां हैं उन सब के हेतु का ज्ञान, उनके लक्षणों का ज्ञान, और इन दोनों का ज्ञान करके उनकी चिकित्सा का ज्ञान, उनका चिकित्सा जो करना है वो आयुर्वेद के इस सिद्धांत या प्रिंसिपल के आधार पर हम करते हैं। और आयुर्वेद का जो दूसरा है त्रिउपस्तंभ, त्रिउपस्तंभ आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, चाहे आहार हो, निद्रा हो, ब्रह्मचर्य हो, बैलेंस डाइट का अपना एक महत्व है, बैलेंस स्लीप एंड लाइफस्टाइल विशेष रूप से आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य कोड ऑफ कंडक्ट, इन तीनों को अगर हम देखें तो इनके द्वारा हम स्वास्थ्य के संकल्पना को पूर्णतया परिभाषित कर सकते हैं। जब आहार को हम देखें तो चरक संहिता में सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने कहा हिताहितोपयोग विशेषस्तु अत्र शुभाशुभ विशेष करा भवन्ति, बोले आहार जो है वो हितकर, अहितकर, शुभ अशुभ सभी प्रकार के परिणाम देता है, बस आवश्यकता है कि सही आहार का सिलेक्शन करना। और चरक संहिता की प्रासंगिकता को अगर कहें तो जो एलोपैथी साइंस है उसमें उन्होंने कई रिसर्च करने के बाद में वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि डाइट किस प्रकार की होना चाहिए, बोले डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीजें होना चाहिए। ये कब अनुसंधान किया उन्होंने, अभी 200 साल की जो रिसर्च हुई इसके अंतर्गत, लेकिन चरक संहिता में आज से 3000 साल पूर्व, 3500 साल पूर्व जो सिद्धांत बताया था, जब लोग फैट को नहीं जानते थे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता ये नहीं जानते थे, विटामिन्स की कल्पना ही नहीं आई थी उस समय, अगर जो आयुर्वेद के अंतर्गत जो बता रखी है आइडियल डाइट उसको अगर हम देखें तो वहां पर उन्होंने कहा षष्टिका शालिमुद्गाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पयस सर्पी जांगल्य मधुचाभ्यसेत। इसके अंतर्गत सभी चीजें, चाहे वो रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, फैट हो, सभी चीजों का समावेश इसके अंतर्गत आ गया। तो आप सोचिए आज से 5000 वर्ष पूर्व उनकी सोच कितनी अनुसंधान परक रही होगी कि व्यक्ति के जीवन में किन किन चीजों की आवश्यकता है भोजन में, और वो आज जो है अनुसंधान करके आधुनिक विज्ञान में एलोपैथी में उनने करके बताया कि इन इन चीजों को होना चाहिए जो आयुर्वेद प्रारंभ से ही बताया था। और आज जो विरुद्ध आहार की बात करते हैं वहां पर भी आयुर्वेद में अग्नि को प्रधानता दी, और वहां पर चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 26 में आचार्य चरक कहते हैं सात्मतो अल्पतया वापि दीप्ताग्नेस तरुणस्य च स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम विथतम भवे। देखिए विरुद्ध आहार और उसके साथ में स्निग्ध, व्यायाम, बलवान, इन तीन गुणों को हमने बता दिया कि वन हु कंज्यूम्स बैलेंस्ड डाइट एंड इज एक्सरसाइज रेगुलरली हु हैज बैलेंस्ड अग्नि कैन डाइजेस्ट विरुद्ध आहार आल्सो एज वेल। तो देखिए विरुद्ध आहार को पहले तो करना नहीं, और अगर विरुद्ध आहार किसी व्यक्ति ने किया तो उनके लिए भी उन्होंने बता रखा कि भाई स्निग्ध भोजी, व्यायाम, बलवान जो व्यक्ति है इनके द्वारा वो इन चीजों से बच सकते हैं। तो ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसी प्रकार से चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 27 में आचार्य चरक ने कहा कि दीप्ताग्नय, खराहारा, कर्म नित्या महोदरा, ये नरा प्रतितांश चिंत्यम ना अवश्यम गुरु लाघवम। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो कभी विरुद्ध आहार करता हूँ, कई बार जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्रत है और शहद का सम मात्रा में सेवन नहीं करना, या और कई विरुद्ध आहार व्यक्ति करते हैं और वो तुरंत कहते हैं कि मैंने तो ये विरुद्ध आहार कई बार किया है, तो कई परिणाम ऐसे होते हैं जो कालांतर में होते हैं, कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो तत्क्षण होते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत आचार्य चरक ने बताया दीप्ताग्नय, खराहारा, कर्म नित्या महोदरा, तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो वन विथ वेल फंक्शनिंग अग्नि हु कंज्यूम्स प्रॉपर डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक एक्सरसाइज शुड नॉट वरी अबाउट गुरु एंड लघु आहार, ही इज एबल टू डाइजेस्ट इट ऑल।
तो ये जो बता रखा है कि बैलेंस डाइट, WHO says it is most important step towards happy and healthy life. जब WHO आज कहता है कि हैप्पी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए, तो आयुर्वेद तो उसके लिए हमेशा से कहता है, और आयुर्वेद ने यहाँ तक कहा कि तच्च नित्यम प्रयुञ्जीत स्वस्थम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्ति करम चलाय. कई साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जैसे JCI है, द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, और उसमें वो कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आहार के लिए कि इट इज कंटिन्यूड रिलीवेंस इन इज इंडीड सपोर्ट बाय जस्ट न्यूट्रिशन एंड मोलिकुलर बायोलॉजी. तो कहना चाहिए कि न केवल आयुर्वेद ग्रंथ में अपितु अभी के जितने भी मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं वो भी इसके इंपॉर्टेंस को मानते हैं. और वैदिक शुभाषित में तो यहाँ तक कहा अर्ध रोग हरि निद्रा सर्व रोग हरि क्षुधा. हमारे यहाँ तो एक इन्वेस्टिगेशन का वो था कि क्षुधा बराबर है तो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर निद्रा बराबर है तो अर्ध व्याधि चली गई. और इनके ऊपर आज जब रिसर्च कर रहे हैं तब वो ये इन चीजों को सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, नींद का भी बड़ा अपना महत्व है, आहार का अपना एक बहुत वो है. और कई प्रकार के एक जनरल है EJCN, उस जनरल ने कहा हेल्दी ईटिंग नॉर्म्स एंड फूड कंजम्पशन. तो वहां पर उन्होंने बोला कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हेल्दी ईटिंग नॉर्म्स एंड कंजम्पशन वाज पॉजिटिवली लिंक्ड टू यूनिवर्सलिस्ट वैल्यूज. उन्होंने बोला कि देखिए फूड है, फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स आयुर्वेद में बता रखे हैं उनका सेवन करना व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए, जो हमारे यहाँ विविध चरक सूत्र अध्याय 27 में जो बात कही है विधि विहित अन्नपानम प्राण संज्ञकानाम प्राणम आचक्षते, तो ये उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था. और आज के आधुनिक रिसर्च को करने के बाद में भी जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं इसी सिद्धांत को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी. चरक संहिता अगर चिकित्सा स्थान को देखें जहां पर अग्नि का वर्णन किया, यद्यपि आहार आदि का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 26-27 आदि में किया, लेकिन चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 में जो ग्रहणी दोष अध्याय है वहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया वो प्याग्ने वायव्या पंचोष्मणा सनाभसा पंचाहार गुणान स्वांसान पार्थिवादिन पचंती. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आज भी शरीर के पोषण के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज प्राइमरली पंचभौतिक आर मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, हेंस द डाइट इज पंचभौतिक एंड इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द नरिशमेंट ऑफ द फाइव बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी धातु एंड सेल ऑफ द बॉडी. तो ये पंचभौतिक आहार का अपना महत्व है. और आयु जनरल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और उसमें लिखा था फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अग्नि, और उन्होंने खास तौर से बताया था आयु वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो चय प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राण शोक्ता देहाग्नि हेतु का. तो यहाँ पर इसमें खास तौर से जो प्रिंसिपल उसमें प्रूव किया गया था उसमें कहा गया था रोगी सात विकृते मूलम अग्नि तस्मान निरुच्यते, बोले अग्नि की विकृति है तभी व्याधि की उत्पत्ति होगी. जो अपन कहते हैं कि रोगा सर्वे पे मंदा अग्नो, तो इस रिसर्च पेपर के अंतर्गत उन्होंने जितना भी सर्वे किया जितने भी पेशेंट देखे उनमें ये फाइंडिंग उन्होंने मेन देखी कि रोगी सात विकृति, अगर अग्नि विकृति नहीं हुई तब तक उनको व्याधि नहीं हुई. तो आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल बताए गए हैं कि रोगा सर्वे पे मंदाग्नो या रोगा सर्वे पे जायंते वेगो धीरण धारणे, इन सब चीजों को आज के मानसिक में हम देखते हैं तो वो सही बिल्कुल वैसी ही प्राप्त होती है. अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ काल भोजन, आयुर्वेद में चरक सूत्र अध्याय 25 में कहा गया काल भोजनम आरोग्यकरम. और एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एडवांसेस ऑफ न्यूट्रिशंस, उसके ऊपर उन्होंने जब पेपर पब्लिश किया तो उन्होंने एक बात कही फूड टाइमिंग टाइमिंग रिलेटेड टू डाइट्री अप्रोचेस टू कम्बैट ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स. तो उनका कहना है कि अगर टाइमली अपन, उन्होंने खासतौर से ओबेसिटी के पेशेंट पे किया था और उनका ये कहना था कि अगर टाइमली भोजन किया गया तो ओबेसिटी से बच सकते हैं और कई मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं. तो आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है काल भोजनम आरोग्य कराणम, या फिर आयुर्वेद में कहा गया न आहार वेला अतिक्रमणीया, तो समय के अनुसार
अगर सही समय पर केवल भोजन किया जाए तो वो भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में अपनी एक विशेष भूमिका रखता है। लेकिन हम पालन कब करते हैं, जब आज कोई रिसर्च पेपर आता है और विशेषकर भारत से बाहर का अमेरिका और उनका अगर पेपर आया और उनने अगर कॉन्सेप्ट दिया कि टाइम पे भोजन करना चाहिए, हर दिन भोजन का टाइम एक फिक्स करना चाहिए, तब हम इम्पोर्टेंस को देखते हैं। लेकिन आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों के जो सिद्धांत हैं वो उन सिद्धांतों में इन सब बातों को बड़े अच्छे से बता रहे हैं। उसी प्रकार से एक वहीं का एक रिसर्च पेपर था एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, और वहां पर भी उन्होंने फूड इंटेक को बताया, टाइमिंग ऑफ फूड इंटेक, और उन्होंने बताया आइडेंटिफाइंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ डाइजेशन इफेक्टिव इंटरवेंशन, और उसके अंदर उन्होंने मेनली टाइमिंग को विशेष वो बताया था, और उन्होंने इसको खास तौर से जो है शरीर के ऊपर इनके प्रभाव को बताया। तो इस प्रकार से आहार, दूसरी बात आती निद्रा। WHO ने जब वहां पर टेक्निकल उसकी मीटिंग में निद्रा को स्लीप का इम्पोर्टेंस बताया, बोले कि हम स्वस्थ रखने के लिए निद्रा पे अभी तक ध्यान ही नहीं देते क्योंकि एलोपैथी साइंस में उसका इतना वो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के मान से निद्रा के ऊपर जब उन्होंने बताया तो निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि दर्शन बलाबलम वृषता क्लिपता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, तो ये जो बात कही, तो इसके ऊपर अगर कई पेपर्स ऐसे हैं जो निद्रा के महत्व को बताते हैं, और निद्रा का महत्व आज भी उतना है। अगर हम देखें तो कोविड की कंडीशन में जो पेशेंट्स को कहा जाता था, उनको बोला कि आप प्रॉपर टाइम नींद लीजिए, प्रॉपर वे में आप खाना खाइए, उष्ण मस्नियात स्निग्ध मस्नियात जो हमारा आहार बता रखा, और नींद अगर बराबर लेते हैं और व्यायाम थोड़ा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे जो उपस्तंभ बता रखे हैं, चाहे आहार हो, निद्रा हो, ब्रह्मचर्य हो, व्यायाम हो, इनके द्वारा जिस व्याधि से पूरा विश्व परेशान है उसको ठीक करने में भी उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल उतने ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का, और जो कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 3 में विमान स्थान में जिसका वर्णन किया, समपित्त नीलकफा केचित गर्भादि मानवा के रूप में। तो प्रकृति का जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड फार्मा साइंसेस फार्मा रिसर्च, उन्होंने खास तौर से इसके रूप में इसको जब वर्णन किया तो जीनोम और फिनोटाइप इन दोनों चीजों को बताया, और इनको बताने के बाद में जब वो कंक्लूजन पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जीनोम इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी विच कंपेरेबल विथ दोषास is responsible for the basic structure of functional of the body. और phenotype के लिए उन्होंने कहा कि phenotype is the expression of the genome in the individual resulting in characteristic features on physical, mental and behavior level. So thus the doshas are mirror of genome in an individual. तो वहां पर भी उन्होंने चाहे वो genome theory हो, phenotype हो, genotype, इन सब में भी main दोषों का role है। और इस चीज को आयुर्वेद ने जब प्रकृति बताई समपित्त नीलकफा केचित गर्भादि मानवाः, तो इससे और अधिक रिलीवेंस जब आयुर्वेद में बता रखा उन चीजों को अगर हम आज के मान से भी देखें तो वो वैसी ही सही साबित होती है। बस आवश्यकता है वहां तक अभी पहुंच पाने का, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उसी प्रकार से दिनचर्या ऋतुचर्या को देखें तो जब सर्कैडियन रिदम की बात आती है तो वहां पर दिनचर्या को हम आदान काल में विसर्ग काल में बल आदि के रूप में देते हैं, और फैक्टर्स आर मैनेजेबल बाय ह्यूमन टू प्रिवेंट डिस्टरबेंस ऑफ सर्कैडियन रिदम। ये जब वो कंक्लूजन देते हैं उसके अंदर अलग अलग जनरल वाले, तो फिर हम उसको मानना शुरू कर देंगे नहीं सर्कैडियन रिदम या हमारी दिनचर्या जो है उसका एक अपना महत्व है। उसी प्रकार से अगर हम देखें धारणी अधारणी वेगों का जो कॉन्सेप्ट है, एक रिसर्च पेपर था IAMJ में, और उन्होंने चरक संहिता के इस कॉन्सेप्ट को जब लिया इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल, और उन्होंने जब कहा है क्रिटिकल एनालिसिस ऑन वेग धारण ए रिव्यू आर्टिकल, तो रिव्यू आर्टिकल में जब ये बात कही और उन्होंने इस चीज को कहा कि जो आयुर्वेद में कहा गया कि रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगो धीरण धारणे, और हर एक वेग को जब हम देखें तो ये व्याधि की उत्पत्ति में आज भी उतने ही वो हैं। जब हमारे आयुर्वेद में कहा गया था कि जो अलग अलग धारणी और अधारणी वेग हैं इनकी जो भूमिका व्याधि की उत्पत्ति में है वो आज भी वैसी ही प्रूव होती है जो चरक संहिता को आज के मान से बताती है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बल का, मैं 2-3-4 मिनट में अपनी बात को पूरी करता हूँ क्योंकि समय हो रहा है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया चरक सूत्र अध्याय 6 में पक्ता भवति हेमंत, या फिर कहा गया अर्ध शक्त्या निशेवस्तु बलिभि स्निग्ध भोजभि शीतकाले वसन्ते च। तो जो हमारे यहाँ बल का कॉन्सेप्ट बताया और बल के कॉन्सेप्ट में जो बात कही कि आदावंते च दुर्बल्यम विसर्गादान योद्धनाम, तो इसमें जो भी है अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ
exeters in the UK, people have evolved to have a subconscious urges to overeat and limited ability to avoid becoming obese. तो ओबेसिटी के लिए उन्होंने खास तौर से जब अग्नि के रूप में उन्होंने बताया हेमंत ऋतु में, तो वहां पर इसीलिए अपने कहा जाता अर्धशक्त्यानिशेवेत. तो ये जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बता रखे उन कॉन्सेप्ट को आज जो है वो बताते जा रहे हैं. आयुर्वेद में जो कहा गया हमारे यहाँ जो आरगवदीय अध्याय में लेप आदि जो बता रखे हैं, तो वहां पर जो बात कही कि यह अत्रिज सिद्ध तमानुवाच द्वात्रिंशतम सिद्ध महर्षि पूज्य चूर्णम प्रदेहान विविधा. तो यहाँ पर ये जो बात करता है चंदन अग्रु आदि की, तो ये जो लेप हैं इन लेप के ऊपर आयु जर्नल में एक मेरा ही वो था रिसर्च पेपर और एक आध और थे, तो ये इसमें जो कहा गया था क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ व्यंग और वहां पर खास तौर से वर्ण गण जो है उनके लेप का परिणाम बताया. और इस स्टडी ने भी जो है कंक्लूड किया गया कि तो वर्ण जो गण है उसका लेप जो इज वेरी इफेक्टिव. तो इस प्रकार से अगर हम आयुर्वेद के एक एक अंश को जो चक्रपाणि टीका में कहा गया या गंगाधर टीका ने प्रारंभ में कहा कि एक एक मुनिर यदिर्यम मतम समाशित चकार शास्त्रम जय त्यसो के शास्त्र विद्या कल्पद्रुमा सर्वफलोदयत्वात्, तो ये जो टीका का प्रारंभिक श्लोक है ये चरक संहिता की प्रासंगिकता आज के युग में उतनी ही सिद्ध करता है कि एक एक इसका प्रिंसिपल लेकर के हम अगर काम करें तो एक एक ग्रंथ का निर्माण किया जा सकता है. अभी हम कोरोना के अगर संदर्भ में देखें तो आयुर्वेद में जो बल का कॉन्सेप्ट दिया गया आदौ अंते च दुर्बल्यम विसर्गादान यो नृणाम मध्ये मध्य बलम त्वंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्देशित, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया कोविड के कंडीशन में. आप देखिए भारत में विशेष रूप से कि कोविड किस समय सबसे ज्यादा बढ़ा, तो हमारे यहाँ जो बताया गया कि आदौ अंते च दुर्बल्यम जिन ऋतु में चाहे वो वर्षा ऋतु हो या फिर जो हेमंत ऋतु हो, तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु इन दो ऋतुओं में हमारे यहाँ कोरोना सबसे ज्यादा बढ़ा. चाहे ग्रीष्म में अभी देख लीजिए शुरू होने वाली और इसमें कोरोना धीरे धीरे बढ़ने लग गया, और उसी प्रकार से जो हेमंत ऋतु बता रखी है वहां जाकर के जहाँ बल उत्तम बताया गया उस उत्तम बल के समय कोरोना बिल्कुल कम उसमें आ गया. जब हमारे यहाँ बिल्कुल अल्प बल बताया गया जो कि आदान काल और विसर्ग काल की ऋतुओं के मान से, उस मान से कोरोना का ग्राफ जो ऊपर बढ़ता गया. तो आयुर्वेद के हर एक प्रिंसिपल चाहे वो लंगन के रूप में ऑटोफेजी हो या जो भी अपने को बताना है, ऑटोफेजी को भी देख सकते हैं चतुष्प्रकार आसन शुद्धि पिपासा मारुता तप पाचनान उपवासश्च व्यायामश्चेति लंगनम, अपने लंगन को इतने रूप में बताया और फास्टिंग को जो है रिन्यू योर बॉडी बाय ऑटोफेजी. तो नोबल प्राइज जो मिला था इसमें 2016 में योशिनोरी को, तो वहां पर उपवास को या लंगन को खास तौर से बताया था. तो इस प्रकार से आयुर्वेद के हर एक सिद्धांत जो है वो अति महत्वपूर्ण है और उन सब सिद्धांतों को अगर देखा जाए तो अंतिम एक बात और कहकर मैं पूरा करूंगा. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक बनाया आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, या आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो बनाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और उसको पब्लिश किया. और उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैक्सिमम जो मेडिसिन है आचार्य चरक के द्वारा यथावत जो है वो मेडिसिन है, इससे और बड़ा कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है कि चरक संहिता आज भी उतनी ही रिलेवेंट है. क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है ये WHO से लगा करके दूसरी कंट्री जो है उन सब कंट्री में आयुर्वेद के स्टैंडर्ड गाइडलाइन के रूप में एक्सेप्ट की जाती है और उसका प्रतिनिधित्व जो है वो चरक संहिता करती है कि उसके मुख्य रूप से चरक संहिता में जो बात कही गई है वही उसके अंतर्गत बताई गई है. तो इस प्रकार से मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा और नहीं बढ़ाते हुए केवल रसायन के इफेक्ट का एक एग्जांपल देकर के पूरा करता हूँ. हमारे यहाँ कहा गया रसायन अध्याय में के लाभो उपायो ये सस्तानम रसादीनाम रसायन. अब वहां तो यह भी कहा गया है कि सहस्त्र वर्ष तक या द्रोणी प्रावेशिक कुटी प्रावेशिक विधि में यहाँ तक कहा गया कि आप 100 योजन तक भी देखने की क्षमता उसमें आ जाती है, लेकिन रसायन का इफेक्ट निश्चित रूप से होता है. और मेरे अंडर में एक PhD वर्क हुआ था जिसमें ड्रोसोफिला पर रसायन का इफेक्ट देखा था, उसमें आमल की गुड़ूची इनका अलग अलग स्टडी की गई थी. और आपको कहते हुए मुझे हर्ष है कि उस रसायन द्रव्यों का प्रयोग करने से ड्रोसोफिला की जो एज है वो करीब करीब 29 डेज, जो उनका 28, 29 से 35 डेज तक सामान्य उनकी एज होती है, वो
ठीक करीब करीब 50 डेज तक, माने इतना अगर एज केवल रसायन का सेवन करने से बढ़ सकती है, तो आजीवन अगर हम रसायन का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। और आयुष मिनिस्ट्री ने कोविड केस में भी सबसे पहले इम्यूनिटी के लिए जो बताया था, इम्यूनो प्रोटेक्टिव रोल जो बताया था, वो च्यवनप्राश का बताया था एट सेलुलर लेवल। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में जो रसायन बता रखे हैं, उन रसायनों को निश्चित रूप से बहुत अच्छा इफेक्ट है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो खास तौर से कोविड के मैनेजमेंट में तीन चीजों को विशेष रूप से देखा था, प्रिवेंटिंग द वायरस इंटरिंग इनटू सेल, और दूसरा था स्टॉपिंग इट्स रिप्लिकेशन, और तीसरा जो मेन वो था वो रिड्यूसिंग द डैमेज दैट ऑकर टू अवर टिश्यूज, डैमेज को रोकना, रेप्लिकेशन जो है उसको रोकना, और उनका एंटरिंग को रोकना। रसायन आदि जो द्रव्य थे, चाहे वो नस से हो, च्यवनप्राश आदि रसायन हो, अश्वगंधा हो, इन औषधियों ने बड़ा अच्छा इफेक्ट किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो भी हमारे इसमें प्रिंसिपल बता रखे हैं, वो सब आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया गया कोविड पेशेंट का, उन पेशेंट में जिन औषधियों आदि का प्रयोग किया गया चरक संहिता में जो बताई गई है, उन औषधियों के द्वारा कोविड के जो पेशेंट को ट्रीटमेंट गए, चाहे वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे, वो यहाँ से निगेटिव होके गए, और इसके कई एविडेंस हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि चरक संहिता छोटी से छोटी व्याधि से लगाकर जिस व्याधि से पूरा विश्व परेशान है, उसको भी ठीक करने में चरक संहिता के सिद्धांत और उसमें बताए गए औषधि जो बताई गई है, वो आज भी उतनी ही सक्षम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चरक संहिता की जो कहना चाहिए उपादेयता है, वो त्रिकाल में, चाहे कोई भी काल हो, वो काल उसको बाधित नहीं कर सकता है, वो त्रिकाल अबाधित है। और एक बार पुनः मैं गुरु जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनके सुखायु की, दीर्घायु की कामना करता हूँ, और पूरे आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार महेश जी, धन्यवाद। आपने बहुत विस्तृत स्वरूप में और उदाहरण के साथ चरक संहिता का महत्व स्पष्ट किया। ये हम बहुत आभारी है। और चैट बॉक्स में कई ऐसे विचार लोग रहे हैं कि फिर एक बार ऐसे चर्चा सत्र का जरूर बताऊंगा कि जरूर इस प्रकार से चर्चा सत्र आयोजित होते रहेंगे। इसके बाद जिसकी हम राह देख रहे हैं, वैद्य यगो जोशी जी का अनुभव और मार्गदर्शन वो हमें करे, ऐसे मैं उनको विनंती करता हूँ। आपको सब लोगों को परिचय आवश्यकता नहीं है, लेकिन यगो जोशी सर ने आयुर्वेद में सभी लगभग सभी पदों पर काम किया है। प्रकाशन किया है, और उनके बारे में एक छोटी बात मैं बताऊंगा कि वैद्य यगो जोशी जी एक वैद्य और वैज्ञानिक तो है ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े कलाकार भी है। ओरिगामी इस कला प्रकार के भी वो गुरु है, और ऐसा एक संपन्न और बहुआयामी व्यक्तित्व यगो जोशी सर का है। मैं सर को विनती करता हूँ कि वो अपने अनुभव और विचार आपके सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश जी। अभी तक व्यास जी नहीं, और उसके पहले मेरे शिष्य रह चुके सराफ जी ने चरक के बारे में अपने अपने मत रखे। मैं थोड़े से अलग ही दृष्टिकोण से आपके सामने चरक के बारे में विवेचन करना चाहता हूं। आयुर्वेद का अध्ययन करना हो तो चरक संहिता का अध्ययन करना ही होगा। जब मैं ऐसा करता हूं तो पहले आयुर्वेद ने क्या
इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आप कहेंगे हम सब वैद्य हैं, हमें तो आयुर्वेद की व्याख्या पूरी मालूम है, आयुर्वेद का प्रयोजन भी मालूम है, फिर आप और क्या कहेंगे? देखिये हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानंच तच्चे चोक्तम आयुर्वेद सोच्यते, ये आयुर्वेद की दी गई व्याख्या। या स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा, ये इसका प्रयोजन। देखे इस व्याख्या की तरफ देखा जाए या इस प्रयोजन की तरफ देखा जाए तो ये आयुर्वेद की व्याख्या नहीं है, ये वैद्यक शास्त्र की व्याख्या है। इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या अन्य कोई भी वैद्यक शास्त्र का समावेश हो सकेगा, क्योंकि किसी का भी दूसरी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हिताहित आयु का, उसके सुख दुख और उसका मान का विचार जिस शास्त्र में किया जाता है और जिसका प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण और यदि व्याधि उत्पन्न हुआ तो उसका नाश करना, ये है। ये तो हरेक वैद्यक शास्त्र का प्रयोजन है, हरेक की समावेश। फिर एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या अन्य जो वैद्यक शास्त्र है, क्या उन्हें आयुर्वेद के हैं? नहीं, आयुर्वेद उनको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फिर? देखिए आयुर्वेद यह एक संज्ञा है, संज्ञा तीन प्रकार की रहती है, एक है योग संज्ञा, दूसरी है रूढ़ संज्ञा और तीसरी है योग रूढ़ संज्ञा। योग संज्ञा यानी जिसकी विरुक्ति कर सकते हैं हम, ये आयुषा वेदा आयुर्वेदा, आयुष के जिसमें विचार किया गया है ऐसा शास्त्र यानी आयुर्वेद। एलोपैथी को भी ये व्याख्या लागू होगी, होम्योपैथी को भी ये व्याख्या लागू होगी। फिर दूसरी जो संज्ञा कही जाती है वो रूढ़ संज्ञा है, रूढ़ संज्ञा यानी जिसका कोई निरुक्ति नहीं कर सकते हम शब्द को, ये इसे टेबल करते हैं। इसे व्याधि के बारे में कहना हो तो आप कहते हैं पक्षाघात, ये योग संज्ञा है, एक पक्ष का घात होता है। या गुरुद्रशी जैसा शब्द प्रयोग जब करते हैं, गुरुद्रवत चलते हैं ऐसा, पर विश्वाची क्यों ये शब्द दिया गया इस व्याधि को, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। रूढ़ संज्ञा, रूढ़ी से आया हुआ, परंपरा से आया हुआ ये शब्द है, यह हुआ रूढ़ संज्ञा। पर इसके बिना और भी एक संज्ञा का प्रकार रहता है, वो है योग रूढ़ संज्ञा। एक उदाहरण लेकर के आपके सामने ये स्पष्ट करूंगा। जैसे पंकज है, पंकज यानी क्या, जो पंक में उत्पन्न होता है वो, यानी कर्दम में, किचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। मगर क्या जो जो किचड़ में उत्पन्न होता है उसे आप पंकज कहते हैं? नहीं, पंकज जब शब्द प्रयोग करेंगे तब एक लिमिटेड अर्थ आपके ध्यान में आएगा, आपके सामने एक पुष्प विशेष कमल ही ध्यान में आएगा। ये तो योग संज्ञा है मगर रूढ़ी से उसे कुछ अलग ही अर्थ, लिमिटेड अर्थ प्राप्त हुआ उसे योग रूढ़ संज्ञा। आयुर्वेद ये ऐसी एक योग रूढ़ संज्ञा है, जो हिताहितम सुखम दुखम आदि व्याख्या या जो प्रयोजन कहा गया वो सभी शास्त्रों को लागू होने वाला है, पर रूढ़ी से उसका अर्थ लिमिटेड कर दिया। क्या है वो तो लिमिटेड किया गया हुआ, ये अर्थ पहला ध्यान में रखना चाहिए। ये एक प्राचीन भारतीय वैद्यक शास्त्र, केवल प्राचीन भारतीय वैद्यक शास्त्र है ऐसा नहीं, तो एक प्राचीन भारतीय वैद्यक शास्त्र जो कोई विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है उसे ही केवल आयुर्वेद कर सकेंगे, दूसरे को नहीं। यानी आयुर्वेद समझना हो आपको तो आपको आयुर्वेद के सिद्धांत ध्यान में लेने चाहिए, और यह सिद्धांत चरक ने जितने स्पष्ट रूप से कहे गए कहे हैं उतना अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं। इसीलिए आयुर्वेद का अध्ययन करना हो तो आपको चरक संहिता का अध्ययन करना होगा। कौन सा है ये सिद्धांत? पंचमहाभूत सिद्धांत है, कार्यकारण भाव सिद्धांत है, रसवीर्य विपाक सिद्धांत है, सामान्य विशेष सिद्धांत है, या ऐसे त्रिदोष सिद्धांत है, ऐसे बहुत से सिद्धांत है जिनके आधार पर आयुर्वेद खड़ा हुआ है। देखिए एक बात ध्यान में रख ली जाएगी, बहुत से वैद्य कहते हैं अरे कुछ कहा तो ये कहा है, चरक में कहा है, वर्ण में कहा है, कोई जरूरत नहीं।
आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार यदि आप कहें तो उसे आयुर्वेद कहना है, या आयुर्वेद के सिद्धांत के विरोधी आप कहेंगे तो इसे आयुर्वेद नहीं कर सकेंगे। चरक ने जो सिद्धांत कहे वो आज 5000 साल के बाद भी अबाधित रह चुके हैं, बदलने का प्रयत्न करके भी वो बदल नहीं सके, इसीलिए वो अबाधित हैं। इनके आप प्रयोग करने के बिना, इनका उपयोग करने के बिना आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत का अभ्यास करना हो तो आपका आपको चरक संहिता मूल से देखनी ही होगी। उदाहरण स्वरूप कुछ सिद्धांतों के बारे में विचार कर, पंचमहाभूत सिद्धांत है। देखिए हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू तत्वज्ञान के अनुसार दर्शन शास्त्र कहे गए हैं, षट दर्शन कहे गए। दर्शन शास्त्र यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में कहा गया हुआ शास्त्र। आयुर्वेद पर प्रभाव है वो न्याय और वैशेषिक के दोनों दर्शन शास्त्र ज्यादातर, परंतु आयुर्वेद ने न्याय शास्त्र माना है जरूर, पर जैसा कुछ न्याय शास्त्र में कहा गया वो वैसा का वैसा आयुर्वेद ने नहीं माना। आयुर्वेद यह एक प्रत्यक्ष पर शास्त्र, न्याय शास्त्र अनुमान पर आधारित है, केवल अनुमान का विचार उनमें है, उनमें प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते हैं। प्रकृति पुरुष फिर जो अहंकार और उसके बारे में जो बताए गए ये तो चतुर्विंशात्मक पुरुष चरक ने भी कहा, मगर वैसे के वैसे माना नहीं। न्याय शास्त्र के अनुसार सात्विक और राजसिक तम जो अहंकार रहता है उनमें से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है, तो राजस और तामस अहंकार से पंचमहाभूत की, पंच तन्मात्रा और बाद में पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। परंतु आयुर्वेद ने माना नहीं, आयुर्वेद ने माना कि मन इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय व कर्म हो उनकी उत्पत्ति पंचमहाभूत से होती। आयुर्वेद ने सिद्धांत कहा सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अस्ति, सभी द्रव्य पांचभौतिक हैं। क्यों माना ऐसा? आयुर्वेद प्रत्यक्ष पर शास्त्र है, पांचभौतिक द्रव्यों का उपयोग करके आप मानसिक चिकित्सा कर सकते हैं, पंच द्रव्य के उपयोग से ही मानसिक व्याधि उत्पन्न होते हैं, ये प्रत्यक्ष गम्य है, इसीलिए आयुर्वेद ने सत्कार्यवाद तो माना ही है। कारण में जो है वो कार्य में होना चाहिए, कार्य में जो है कारण में पहले से होना ही चाहिए, ये जो तत्व ज्ञान है वो माना है। इससे पंचमहाभूत के द्रव्यों से मानसिक चिकित्सा कर सकते हैं, इसका ही अर्थ जो मन है जो इंद्रिय है वो पंचभौतिक है ऐसा मानना युक्त है, ये उन्होंने बदल कर। ये जो सिद्धांत अलग अलग कहे गए उसमें रसवीर्य विपाक सिद्धांत है, द्रव्य गुण वगैरह सिद्धांत बताए, द्रव्य गुण कर्म वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए जो चिकित्सा के दृष्टि से महत्व है। देखिए आयुर्वेद ने जो कर्म बताए, जो गुण बताए, वो गुण बताते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब कार्मिक गुण है, भौतिक गुण नहीं। जब आप कहते हैं ये द्रव्य उष्ण है शीत है तो स्पर्श को कैसा है इसका नहीं अर्थ उसका उसमें है नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप में ली तो हरी मिर्च फ्रिज में रखी है, चिल कर दीजिए एकदम शीत स्पर्श हो जाएगी, पर मुंह में डालने पर उसमें दाही होने वाला है, इसका ही मतलब वो उष्ण स्पर्श है, इसका ही मतलब ये जो गुण है मिर्ची में उष्ण गुण या तीक्ष्ण गुण ये कार्मिक गुण है भौतिक गुण नहीं। आयुर्वेद कार्मिक गुण का प्रयोग करता है इसका नहीं, ऐसा नहीं। भौतिक गुणों का भी प्रयोग बताया है, जो आप स्वेदन करते हैं वहां उष्मा द्रव्य का प्रयोग करो बोलते हैं, एक गर्म पानी के साथ अंत में ले लो कहते हैं उस समय आप तो जरूर करते हैं, मगर जब द्रव्यों के गुण आप कहते हैं औषधि द्रव्यों के गुण कहते हैं उस समय ये सभी कार्मिक गुण है, ये पहले ध्यान में रखनी। दूसरी एक बात जो विंशति गुण बताए गए,
गुरुमन्दैव स्निग्धः श्लक्ष्मधातुर्मधुस्थिरः गुणासु सूक्ष्मविशदः विमुच्यते स विपर्ययः। वो विपरीत है, तुलनात्मक नहीं विचार कर सकते। जैसे उदाहरण में ले लो तो रबड़ी है बनाई हुई और पेड़ा भी है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ा गुरु है और रबड़ी लघु है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा? नहीं कह सकते। वो उनके वो गुरु ही है। आप कह सकते हैं पेड़ा की अपेक्षा रबड़ी कम गुरु है, वो लघु है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये भी एक बात आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। सामान्य विषय सिद्धांत बताया गया, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य मूर्धिकारणं रासे हेतुर विशेष प्रवृत्तिर उभयस्यतु। अभी देखिए, ये तो सिद्धांत तो सबको मालूम है, समान से समान की वृद्धि होती है, विपरीत से। मगर व्हाट इज आखिर का जो शब्द उसमें उपयुक्त मिल आया है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य प्रवृत्तिर उभयस्यतु। इस प्रवृत्ति रूपयस्यतु इस शब्द का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। रक्तम रक्तेन वर्तते, मांसम मांसेन वर्तते, मगर कब? सामने रखने पर, क्या मांस का शरीर पर लेप करने पर? नहीं, वो विशिष्ट प्रमाण में पका करके सेवन करने के बाद ही उसका प्रयोग होगा। इसे ही प्रवृत्ति कहते हैं। योग्य मार्ग से, योग्य तरह से, उचित मात्रा में यदि उपका प्रयोग किया गया तो ही सर्वदा सर्वभावानां सामान्य मूर्धिकारणं रसे हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपयस्यतु, ऐसे ही बात स्पष्ट हो जाए। देखिए, हर एक सूत्र के बारे में जो चरक ने कहे गए हैं उसके बारे में मैं कॉलेज में बहुत दिन तक, करीब 30 साल तक मैं पढ़ाता था विद्यार्थी के सामने। विद्यार्थी भी बहुत कुछ अपने को सिखाते हैं, विद्यार्थी आकर के कुछ शंका उपस्थित करते हैं, उसका उत्तर देने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ता है। ऐसा ही एक बात बता देता हूं, जो रोग की व्याख्या बताई गई चरक में, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। जब दोष वैषम्य उत्पन्न होता है तब व्याधि उत्पन्न होता है, पर केवल दोष वैषम्य से व्याधि नहीं होता है। शरीर में तो वयो और रात्रि भुक्ता नाम तेतमध्यादि का आक्रमात इस न्याय से दोषों का संचय प्रकोप प्रशम हमेशा चालू ही रहता है। थोड़ा सा प्रमाण समस्त स्थिति में दोष तो नहीं मिलेंगे आप। फिर इसके आगे इसीलिए चरकने का कि उसमें सुख संज्ञा का आरोग्यम विकारो दुख में, इसके साथ दुख होना चाहिए तो ही आप उसे व्याधि कहते हैं। यानी धातु वैषम्य होना चाहिए और धातु वैषम्य के साथ जब दुख उत्पन्न हुआ तो उसे व्याधि कह सकते। हाँ ठीक है, मगर एकादा शीतल का पेशेंट आ गया तो उसे किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, मगर मानसिक वेदना तो रहती है। हाँ, फिर शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का वेदना हो और उसके साथ दोष वैषम्य हो तो व्याधि करना चाहिए। फिर विद्यार्थी का प्रश्न, देखिए सर, एक छोटा बालक है, 5-6 महीने का उम्र है, उसे श्वेत्र हुआ तो उसे न शारीरिक दुख है न मानसिक दुख है, फिर चरक की व्याख्या कैसे लागू होगी? हर समय सोचना पड़ा और फिर दुख की व्याख्या ही बदलना चाहिए, ये मेरे ध्यान में। और दुख की व्याख्या की थी मैंने, वो दुर्दुष्टानी खामी यस्मिन सा दुखा, जिसमें ख वैगुण्य रहता है। दुर्दुष्टानी खानी यानी दोष वैषम्य होना चाहिए और वो दोष वैषम्य के कारण या दोष वैषम्य के साथ जब स्रोतो दृष्टि रहेगी तब व्याधि करना चाहिए। इन्हें चरक की जो व्याख्या है वो बदली नहीं, केवल दुख का अर्थ अलग तरह से स्पष्ट किया गया और ये व्याख्या आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। इसमें और भी एक शब्द है, विकारो धातु वैषम्य। वैषम्य यानी क्या? वैषम्य का अर्थ करते समय आप कहेंगे वैषम्य यानी वृद्धि और या क्षय, नहीं,
क्योंकि वैषम्य नाम की एक अलग ही घटना शरीर में होती है वृद्धि और क्षय के बिना। उदाहरण स्वरूप में ले रहा हूं तो अग्नि लीजिए, अग्नि तीक्ष्ण भी रहता है जहां वृद्धि रहती है, अग्नि मंद रहता है जहां क्षय रहता है, और वैषम्य अग्नि अलग ही है, कदाचित सम्यक पच्यते सम्यक कदाचित न पच्यते। अरे ये वृद्धि और क्षय से अलग है, इम्बेलेंस है। देखिए अलग उदाहरण ले सकते हैं, ज्वर, ज्वर में तीक्ष्ण वेगी ज्वर है, मंद वेगी ज्वर है, उसे विषम ज्वर नहीं कर सकते। विषम ज्वर यानी बैलेंस ऊपर नीचे ऐसा जब चार्ट में दिखेगा कभी आप उसे विषम ज्वर कहेंगे, वैषम्य कहेंगे। ज्वर यानी वैषम्य यानी वृद्धि और क्षय नहीं, तो नहीं वृद्धि या क्षय नहीं, तो वृद्धि और क्षय। दोष वैषम्य यानी दोष में वृद्धि भी होनी चाहिए और क्षय भी होनी चाहिए। कैसी स्थिति है, क्या ऐसा होता है व्याधि में? जब चरक का अध्ययन करता रहा तो शारीर स्थान के चौथे अध्याय में एक सूत्र आया है चरक में ही, उसमें धातु वैषम्य क्या इसका ही अर्थ स्पष्ट किया। वैषम्यम नाम ही पुनर्धातु नाम वृद्धिरास गमनम अकार्त्स्नेन एव। कृष्ण शरीर में हुआ तो उसे उपचय कहेंगे धातु का, ये हुआ तो अपचय कहेंगे, मगर वैषम्य कहना हो तो शरीर में एक ही शरीर में क्षय और वृद्धि दोनों मिलेंगे तो उसे धातु वैषम्य कहना। ये चरक का ही वचन है, इसका मतलब कि आगे ये समझ लेने से क्या फायदा है। देखिए आज बहुत सी ऐसी अवस्था है आयुर्वेद की कि बहुत से शब्द प्रयोग हम करते हैं, हमें उसका अर्थ ज्ञात है ऐसा भी आप कहते हैं, मगर समझ में नहीं आता। उदाहरण ज्वर के आप कहते हैं कि वाताज पित्तज कफज द्वंद्वज प्रकार है। ज्वर का कारण क्या है? पित्त ये प्रमुख कारण है ना, पित्त के बिना ज्वर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। पित्ताद्रुते नास्ति ज्वरः। अब पित्त के बिना ज्वर नहीं हर एक में है तो हर एक में पित्त है ही ना, फिर पित्त ज ज्वर अलग कैसा? ज्वर तो पित्त ज ही है। एक बार गोमूत्र कहे को तो गाय का गोमूत्र कहने से क्या मतलब है? कोई जरूरत नहीं। जो वात ज ज्वर में उसमें पित्त है ही ना, तो वात पित्त ज ज्वर और वात ज ज्वर में क्या अंतर? उसमें तो पित्त है ही। वात कफ ज्वर और सांधिपातिक ज्वर इसमें क्या अंतर है? नहीं कर सकते, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने इस तरह का विचार ही नहीं। सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति ऐसे दो घटक बताए गए, सामान्य संप्राप्ति माह विशेष संप्राप्ति माह ऐसे शब्द प्रयोग तो ग्रंथों में मिलते हैं, पर सामान्य संप्राप्ति यानी क्या, विशेष संप्राप्ति यानी क्या, सामान्य संप्राप्ति कब घटित होती है, विशेष संप्राप्ति कब घटित होती है, इसके बारे में कोई विचार नहीं। ये विचार होना चाहिए, मैंने वो किया है मगर वो विषय आज का नहीं है, उसके बारे में कहना हो पूरा समझाना हो तो उसके लिए 2-3 घंटे लगेंगे, इसलिए वही विषय छोड़ देता हूं। मगर इस प्रकार का विचार आपको हमेशा करना पड़ता है चिकित्सा करते समय, तो इस प्रकार के विचार की जरूरत रहती ही है। जैसे चरक ने एक बात कही ज्वर के प्रकरण में, अमय ज्वर में वर्णन करते समय न दद्या तत्र भेषजम, भेषजम ये आमदोषस्य भूयो ज्वलन्ति ज्वरम ऐसा कहा। क्या कहा? अमावस्या में ज्वर में दवा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि औषध का भी पाक होने इतना अग्नि नहीं रहता है और उसके कारण भी आम बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे? अमावस्या में रुग्ण आया तो क्या उसे छोड़ देंगे, या उसे कहे नहीं बाबा कुछ नहीं करना है, 8 दिन तुम्हें दवा तो लेना नहीं है, क्योंकि 8 दिन में आम का पाचन होता है, ऐसा चरक ने ही कहा। क्या करेंगे ऐसा? ऐसा चरक ने क्यों लिखा? आज हम चरक की जो चिकित्सा कही गई उसके थोड़ी सी विपरीत चिकित्सा करते हैं क्या दवा दे करके? नहीं, क्यों नहीं? चरक ने यद्यपि आखिर के अध्याय में कहा है कि इसमें जो जो है वो अन्यत्र कहाँ भी नहीं मिलेगा,
अन्यत्र जो है सभी चरक में है। हाँ, ये सिद्धांत के बारे में सच, और व्यवहार आयुर्वेद का जो व्यवहार है, जो चिकित्सा है उसके बारे में। आज आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत कम लोग करते हैं। जब रसशास्त्र का उदय हो गया, जब पारद गंधक का समावेश चिकित्सा में हो गया, तो चरक की चिकित्सा पीछे गई। चरक इतना प्रभाव हो गया पारद गंधक का कि औषधि निर्माण शास्त्र को रसशास्त्र कहने लगे, औषधि निर्माण कार्यशाला को रसशाला कहने लगे, इतना प्रभाव हो गया। चरक काल में जो दवाइयां दी जाती थी प्रामुख्यता से वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था, वनस्पति द्रव्यों की मात्रा बहुत रहती थी। आज जो पारद गंधक के योग से संपृक्त दवाइयों का प्रयोग करते हैं उसमें इतनी अल्प मात्रा में, जैसे त्रिभुवन कीर्ति सर का जैसा द्रव्य 250 मिलीग्राम एक समय में, इससे ज्यादा देने की जरूरत, और उसमें भी हर एक द्रव्य का विचार करें तो 20 या 30 मिलीग्राम द्रव्य हर एक का होगा। जो द्रव्य चूर्ण या स्वरूप में उपयोग में लाना होता तो कुछ ग्राम के स्वरूप में देना पड़ता था, वो मिलीग्राम के स्वरूप में आप दे सकते हैं। इसके लिए कितनी अग्नि की जरूरत, फिर भी लोग कहेंगे अरे उतने भी है, आप क्यों बढ़ा देना, उसकी भी जरूरत नहीं, बढ़ा देना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसे समय में जो आप कल्प आजकल्प का प्रयोग करते हैं वो वत्सनाप के करते हैं। वत्सनाप यानी विषद्रव्य है, उसके व्यवाही विकासी गुण के कारण वो पूरे शरीर में क्वेश्चन की अपेक्षा न करते ये फैल जाते हैं, श्रोतोरोध दूर करते हैं। श्रोतोरोध दूर होने से अपने आप अग्नि प्रदीप्त होने लगता है, क्योंकि पित्त का अपने स्थान में आना शुरू हो जाता है और ज्वर कम होता है। इन्हें चरक का सिद्धांत तो गलत नहीं है, चरक ने जो कहा वो गलत नहीं, उस काल के अनुसार उन्होंने न दद्यात् तर्वेशम ऐसा कहा था, आज के काल में उसका बदल करना ही होगा। गिरीश जी कितना टाइम है, 10 मिनट। फिर और भी एक व्याधि का उदाहरण देता, चरक ने जो चिकित्सोपक्रम का वही चिकित्सोपक्रम आजकल भी हम करते हैं, पर क्यों करना इसके बारे में बहुत संभ्रम है। जैसे उधर में विरेचन चिकित्सा, नित्यमेनम विरेचयेत, ऐसा उसमें का विरेचन किस दोष के लिए, पित्त के लिए किया जाता है, रक्त के लिए जाता है, कफ के लिए किया जाता है। यहां तो पित्त का रक्त का कोई संबंध ही नहीं, यहाँ तो वात प्रधान रहता है। तई उदीर्णो वंदना पित्तम कफम के उदीर्य सर्वदा, ऐसा इसका वर्णन, या सुश्रुत ने भी वर्णन करते समय कोष्ठात उपस्नेवत अन्नसारो निस्तुष्टो अनिल वेग नुन्ना, यानी वात प्रकोप ही प्रमुख का प्रमुख का वर्णन किया। चरक नहीं, शुरू में पहले ही चिकित्सा अध्याय में पहले ही सूत्र में एक उदर के रुग्ण का बहुत अच्छा वर्णन किया है, शुष्क वक्त्रा क्रूढ़े गात्रा आत्मा तो दरकुख्या प्रनष्टाग्नि बलाहारा सर्वचेष्टा सुअनिश्वरा और जहतो असुनना दवर, ऐसा जिसका वर्णन करते हैं। अरे जिसमें इतनी कृशता है, जिसमें इतना दौर्बल्य है, उस रुग्ण में विरेचन और वे भी नित्य विरेचन और वो भी तीक्ष्ण विरेचन, यहां वात प्रकोप नहीं होगा। जिसमें वात प्रकोप पहले ही दुर्बलता के कारण इतना अधिक प्रमाण में आया है, संपर्क में कोई भी पित्त का संबंध नहीं बताया गया, तो यहां विरेचन क्यों? प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिखाई देता है, प्रत्यक्ष में अर्वाचीन चिकित्सा दृष्टि से आयुर्वेदीय दृष्टि ने की हुई उदर की चिकित्सा अधिक लाभदायक होती है, यह प्रत्यक्ष है। उसका प्रयोग तो करते हैं, क्यों करते हैं? उसमें बताया गया चरक ने कि श्रोतो मार्ग निरोधना संभवती उदर तस्मात दोषाति मात्रोपचय, दोष अधिक बड़े हुए रहते हैं, श्रोतोरोध अधिक रहता है, इसलिए करो, ये जायजता नहीं है। उसमें श्रोतोरोध देना युक्त नहीं है। फिर अर्वाचीन शास्त्र में जो डायुरेटिक देते हैं वो क्यों नहीं देना? जब चरक का ही अध्ययन आप अलग दृष्टि से करें, थोड़े से अध्ययन अलग दृष्टि से भी नहीं करना है। चरक संहिता में जो सूत्र है वो अलग अलग जगह मिलते हैं आपको,
चरक के चिकित्साध्याय में ही एक और एक सूत्र मिलता है कि जलोदर उदर में तीन अवस्था रहते हैं, अजात उदर का अवस्था, पिछा अवस्था और पकवा अवस्था, जातोदक अवस्था। और जातोदक अवस्था कैसी आती है इसका वर्णन चरक नहीं किया है। और वहां कहा है, वहां धातुओं का पाक होता है, पाक होने से धातुओं से सभी द्रव धातु बाहर निकलता है और वह धातु उधर में आकर के संचित होता है। यानी पाक होना ये उधर की महत्व की संप्राप्ति है। सामान्य संप्राप्ति जहां वर्णन की वहां नहीं है ये वर्णन, पर अन्यत्र धातुगत अवस्था, और धातुगत अवस्था तो हर एक में आती है। कोष्ठात उपसने वतंतसारो, उपसने से वो द्रव संचित होता है, वो पहले से हो जातो उदक अवस्था। इसका मतलब जिसमें जल नहीं है ऐसा नहीं, तो अल्प जातो उदक अवस्था। जिसमें अल्प जातो उदक है, जिसका परीक्षण केवल दर्शन से या स्पर्श से नहीं हो सकता, वो जातो उदक है, उसमें तो उपसने से संचित होना शुरू ही हुआ है। और ये जो चिकित्सा करना है वो आपको चातुर्दक अवस्था में करनी है। चातुर्दक अवस्था में करने से क्या होता है, अर्वाचीन चिकित्सा से डायबिटिक से संचित हुआ जल तो जाएगा, मगर प्रिवेंशन के लिए कोई नहीं। यहाँ आप जो विरेचन देते हैं उसमें संचित जल तो जाएगा, मगर उसके साथ साथ पित्त प्रक्रिया होगी, उसकी चिकित्सा में लाभ होगा। कैसा, तो पित्त का पर कार्यकारी होने के कारण बाकी आगे पाक होने की प्रक्रिया कम हो जाएगी और जल संचित का प्रमाण कम होते जाएगा। ये संप्राप्ति भंग जिसे कहते हैं चिकित्सा, यानी संप्राप्ति भंग, ऐसा संप्राप्ति भंग आप करते हैं, केवल चरक में लिखा है इसलिए हम करते हैं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपको अलग दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। चरक संहिता के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ उसके बारे में विचार करने लायक, या हर एक व्याधि के बारे में ऐसा विचार कर सकते हैं, परंतु मुझे जो टाइम दिया गया था उसका विचार करते हुए आज यहाँ ही मैं पूरा कर देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर चाहिए, और ये इन पुस्तकों के माध्यम से ये तो मिलता ही रहेगा, और फिर एक बार आपका मार्गदर्शन इस वेबिनार के जरिए हम आयोजित करेंगे ही। धन्यवाद। आप दुष्टकर्मा कृतकर्मा हो और किया है, खुद किया है, और बाद में आपने बताया है, इसलिए ये अनुभव आपके शब्दों में भी प्रतीत होता है। धन्यवाद सर। मैं अभी आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे मित्र वैद्य रोहित काशीकर जी। रोहित काशीकर जी ये सुमति भाई आयुर्वेद कॉलेज हड़पसर से उन्होंने आयुर्वेद का शिक्षण प्राप्त किया, और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ये उडुपी के आयुर्वेद कॉलेज से उन्होंने प्राप्त किया, और पंचकर्मा में MD उन्होंने वहाँ से पूर्ण किया, उन्हें गोल्ड मेडल उसमें मिला है। और रोहित जी कई कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनका पुणे में क्लिनिक है, और उस उनकी और एक पहचान रोहित जी वैद्य यज्ञ जोशी जी के पोते हैं, इज ग्रैंडसन, यज्ञ जोशी जी इज ग्रैंडसन, एंड हेंस रोहित इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग लेगसी ऑफ चिकित्सा एंड लेगसी ऑफ दैट स्कॉलरशिप। आई रिक्वेस्ट वैद्य रोहित फॉर vote of thanks. Over to you, Dr. Rohit. Thank you, sir. A very good afternoon to everyone, all the dignitaries and the speakers and all the viewers. The last time I was in a Charaka publication and Pustak Prakashan ceremony was when I was in the 8th standard, when he was doing my grandfather, Dr. Yogo Joshi sir, was unveiling the book for Charaka translated in Marathi. That time I was in 8th standard, and it is one of the greatest honors that you can have, which I have today,
that I am presenting the vote of thanks on his publication of Charaka Samhita in Hindi. Well, actually, before concluding to vote of thanks, I would like to add a few things which our esteemed speakers have noted, that Charaka Samhita is one of the Adya Granthas for the Ayurveda Acharyas to understand and practice Ayurveda. Today, understanding of Charaka Samhita is very difficult, and the teachers that teach you Charaka Samhita are also not frequently available. I would like to thank Dr. Bhushan Patwardhan sir, who is a national research professor of Ayush, for being present for the unveiling ceremony and giving your valuable time, sir. Thank you, sir. Our today's speakers, Vaidya Abhijit Saraf sir, who is an Ayurveda scholar from Nashik, and he is also a teacher. Professor Mahesh Vyas sir, who is the Dean of All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Dr. Yoga Joshi sir, for your valuable guidance towards how to understand Charaka Samhita. And as Mahesh Vyas sir, Professor Mahesh Vyas sir, very rightly said that all the three strata of student society, which is the understanding capacity which can be undertaken, and such a particular thing can be studied through Dr. Yoga Joshi sir's book. And also I would like to thank the main people behind the scenes who have made this particular book a possibility, is Pune Sahitya Vitaran and Mrs. Mugdha Koparlekar. And for today's organization of this particular seminar of team of Ayush Center of Excellence, Savitribai Phule, Pune University, Ms. Rasika, Mr. Akshay Datar, Dr. Apurva Palkar of Savitribai Phule University. And thank you to all the viewers and attendees of this particular seminar. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Dirohit. I will just say a prayer for Vaidya Yago Joshiji. Takchakshur deva hitam purastat shukra mucharata pashye masharadahashatam jive masharadahashatam shrunuyam sharadahashatam prabravam sharadahashatam adinahasyam sharadahashatam bhuyascha sharadahashatat. And this is the prayer for healthy, happy and peaceful world. Sarve pi sukhinas santu, sarve santu niramayah, sarve bhadrani paschantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Thank you very much.